वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नमो लोये सर्वसाहुनं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पावप्रणासनो सब पावप्रणासनो मंगलानंच सव्येसि मंगलानंच सव्येसि परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है वर्तमाने महाविदे क्षेत्र महाविचरता वर्तमाने महाविदे क्षेत्र महाविचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु वितराग शासन देवी देवताओं ने वितराग शासन देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु जगत भरना संत पुरुषों नु योग बल जगत भरना संत पुरुषों नु योग बल जगत भरना सत पुरुषों नु योग बल जगत भरना सत पुरुषों नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल समस्त विश्व नु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो जगत ना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत ना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगत कल्याण हो 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 हे श्री पद्मावती माँ हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे के अने प्रार्थना करिए छे के हम सर्वे महात्माओं ने हम सर्वे महात्माओं ने मोक्ष मार्ग के लिए नायक
मोक्ष मार्ग ने जुड़े रहे अने सहायक संजोगो अने सहायक संजोगो प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ प्राप्त थाओ हे श्री अम्बे मां हे श्री अम्बे मां हे श्री भद्रकाली मां हे श्री भद्रकाली मां हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी हमें आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी अने प्रार्थना करिए छे के अने प्रार्थना करिए छे के प्राप्त मन वचन काया थी प्राप्त मन वचन काया थी आ जगत ना कोई पण जी ने आ जगत ना कोई पण जी ने किंचित मात्र दुख न थाय किंचित मात्र पण दुख न थाय एवी स्यादवाद वाणी एवी स्यादवाद वाणी स्यादवाद वर्तन स्यादवाद वर्तन અને શાદવાદ મનન કરવાની અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ નાની ભગવાન તો શું કહે છે કે તું પેલા નક્કી કર કે તારે સેનાથી છૂટવું છે જેનાથી કુદરત તને છોડાવવાની છે એનાથી તારે છૂટવાનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર એ ફરજિયાત ભાગમાં આવે સેમા ભાગ આવે એટલે એમાં તારે પ્રયાસ કરવાની જરૂર તારે સેમાથી છૂટવાનું છે તું નક્કી કર તારે આ શરીર છોડવાથી છૂટવાનું છે તો એ કુદરત છોડાવવાની છે ત્યારે આ સંજોગોથી છૂટવાનું છે તો એ કુદરત છોડાવવાની છે તારે સુખ દુઃખથી છૂટવાનું છે તો એ કુદરત છોડાવવાની છે તારે સંપત્તિ છૂટવાનું છે તો એ છોડાવવાની છે એટલે જે કુદરત છોડાવે છે એમાં તારે મહેનત કરવાની જરૂર નથી એ ફરજિયાત ભાગમાં આવે છે એમાં આવે છે કર્મના ફળ રૂપે કેવું છે ફરજિયાત આયુષ્ય ફરજિયાત છે અને સંજોગો એ એટલે એમાં પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પણ તારે સેમાથી છૂટવાનું છે તો કે તું બંધાયો સેનાથી છું આ સંજોગોથી નથી બંધાયો સંજોગો તો તીર્થંકરો ને હતા જ્ઞાનીઓ ને હતા નતા જન્મથી મૃત્યુ સુધી બધાને હતા તો એ લોકો નાના નાના આપણને કેમ નડે છે તો કે તારે અજ્ઞાનથી છૂટવાનું છે સેના છૂટવાનું છે અજ્ઞાન એટલે આટલી બધી લાઈફની અંદર બધા જ પ્રકારની સંજોગોની ક્રિયાઓ બધાએ કરવી પડે છતાં પણ એક પણ સંજોગ એમને બાધક ના થયો અને એ જ અવતારે મોક્ષે ગયા કારણ કે અજ્ઞાન હતું અજ્ઞાન હોય તો રાગવેશ થાય ને રાગવેશ થાય તો કર્મ બંધાય ને પણ મુદ્દામાં અજ્ઞાન નતું પછી હવે કે કઈ વસ્તુને આપણે અજ્ઞાન કહેવું અજ્ઞાન કેવું કોણે તો કે છે તું છું એ તું માનતો નથી અને તું નથી અને તું છું એવું માને છે એ પહેલું અજ્ઞાન એટલે કે હું શરીર છું આ પહેલું અજ્ઞાન રેકોર્ડિંગ હોય ને પ્લીઝ ટીવી માં જાય રેકોર્ડિંગ જાય ને ઠીક વાત નહીં ને तो पहला अज्ञान कौन सा है कि मैं शरीर हूं यह ज्ञान है दूसरा अज्ञान कौन सा है बीजू अज्ञान क्यों से हूँ शरीर ने चलाऊ छु अने त्रीजु अज्ञान क्यों से आ शरीर जे भोगवे छे ए हूँ भोगवु छु આ અજ્ઞાન છે શું છે હવે એ અજ્ઞાનને દ્રષ્ટિમાંથી કાઢવાનું છે સમજ કાઢવાનું છે ક્રિયામાંથી નહીં વાણીમાંથી નહીં વિચારોમાંથી નહીં વિઝનમાંથી તો દ્રષ્ટિમાંથી અજ્ઞાનને કાઢવાનું તો
શાસ્ત્રીમાંથી અજ્ઞાન કાઢવાનું એટલે શું કે પહેલું નક્કી કરવું પડશે કે હું શરીર નથી. તો પછી જ્ઞાન શું છે? તો કે જે હું શરીર નથી પણ શરીરથી હું તેવો શુદ્ધાત્મા છું. પણ હું શરીર નથી એવું સ્વીકારવું કઈ રીતે, એક્સેપ્ટ કઈ રીતે કરવું? ના કહેવાથી તો સ્વીકારે નહીં અહંકાર. એને લોજિક જોઈએ. શું જોઈએ? લોજિક નો મતલબ થાય કન્વિન્સ કરી શકે એવી ભાષા જોઈએ. સ્વીકારીએ ખાલી શબ્દોથી ચાલે કે હું શરીર નથી એવું કહેવાથી એક્સેપ્ટ કરે? એટલે આપણે આપણે સમજવું પડે કે હું શરીર નથી કઈ રીતે. તો કે છે કે આ શરીર છે એની ડિઝાઇન કુદરતે બનાવી. આ શરીરની ડિઝાઇન કુદરતે બનાવી છે એટલે બધાની ડિઝાઇન એક જ સરખી છે. એટલે બધાને એક જ સરખા ડોક્ટર કામ લાગે. ડિઝાઇન અલગ અલગ હોય તો અલગ અલગ ડોક્ટર જોઈએ. તો બધાને એક જ ડોક્ટર કામ લાગે કારણ કે ડિઝાઇન એક જ છે. સોફ્ટવેર બધાનું એક જ છે એટલે ડિઝાઇન કુદરતે બનાવી છે, નહીતર એક હોય નહીં. અમેરિકામાં પણ આઠ ડિઝાઇન ને યુરોપમાં પણ અને આપણા એશિયામાં પણ અને કોઈ પણ ડોક્ટર બધે ઠેકાણે કારણ કે ડિઝાઇન એક ડિઝાઇન ક્યારે હોય? માણસ બનાવે તો કે કુદરત બનાવે તો? એટલે પહેલી આ શરીરની ડિઝાઇન કુદરતે બનાવી છે જેને આપણે કહીએ મેપ અથવા સ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ નહીં પણ મેપ. હવે કહે છે કે મેપ તો બધાનું સરખું છે, બીજો પ્રશ્ન આવે હાર્ડવેર. આ હાર્ડવેર કોણે બનાવ્યું? પેલું સોફ્ટવેર હતું ડિઝાઇન, આ હાર્ડવેર છે. તો કે છે કે આ હાર્ડવેર છે ને એ હાર્ડવેર કોણે બનાવ્યું? સોફ્ટવેર તો કુદરતનું છે, હાર્ડવેર કોણ? તો કે આ હાર્ડવેર છે એ પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે. પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ ને આકાશ એ પંચ મહાભૂતો કોના છે? પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ ને આકાશ આ કોના છે? આપ બતાવો મેરે કોઈ ઓર કોઈ ઓપ્શન નહીં તો બતાવો. કુદરત કા નહીં હૈ તો ઓર કોઈ ઓપ્શન બતાવો. તો ઇસકા હૈ હૈ તો ફિર એક હી હૈ તો ફિર બોલને મેં ક્યા તકલીફ હૈ? ચાર પાંચ ઓપ્શન હૈ તો કન્ફ્યુઝ હોતે હૈ. તો પહેલું સોફ્ટવેર કુદરત નું, હાર્ડવેર પણ કુદરત નું. હાર્ડવેર માં પણ પંચ મહાભૂત છે એ પણ કુદરત ના. પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ એ કુદરત ના. અચ્છા હવે આ હાર્ડવેર તો મને નાખ્યું, હવે આ હાર્ડવેર ને 100 વર્ષ જીવતું રાખવાનું. કેટલા વર્ષ? કર્મ પ્રમાણે. તો હવા, પાણી, ખોરાક પણ કોણા? બોલો. બીજો ઓપ્શન હોય તો તમારે બોલવાનો. હું કહું છું ને તમારે કહું કે આના જગ્યા આ છે જો તમારી પાસે હોય તો. છે કોઈ ઓપ્શન? હવા, પાણી, ખોરાક કોણા? હવે 100 વર્ષ જીવતું તો રાખ્યું હવા, પાણી, ખોરાક થી. પણ 100 વર્ષ જીવતું કેમ રાખે છે? તો કે કર્મ ભોગવવા માટે. તો ભોગવવાના કર્મના સંજોગો કોણ આપશે? બધા સારા અને ખરાબ. કારણ કે આપણને ખબર ગયા અવતારમાં કયા કર્મ કર્યા હતા આપણને ખબર છે, પણ આ અવતારમાં ભોગવીએ છીએ. પણ એ ભોગવેલા કર્મના સંજોગ કોણ આપે છે? કાલે શું થવાનું છે આપણને ખબર છે, પણ કુદરતને ખબર છે કારણ કે સંજોગ કોણે આપવાના છે? અને છેલ્લે શ્વાસ બંધ કોણ કરે છે? તો જન્મથી મોત સુધી આ શરીર બનાવવું, આ શરીરનું સંચાલન કરવું અને આ શરીરનો એન્ડ લાવવો, આ ત્રણેય રોલ કોણા છે? એમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે આવીએ છીએ? તો પછી આપણે આ શરીર હોઈ શકીએ? હોઈ શકીએ? માટે આપણે શરીર અને આ શરીરને બાળી નાખ્યા પછી આપણે છીએ, માટે પુનર્જન્મ છે. જો આપણે શરીર હોય તો એ બાળ્યા પછી આપણો જન્મ થાય, પણ આપણે શરીર માટે પુનર્જન્મ છે. સમજાય છે? એટલે પહેલું નક્કી કરવું પડે સાયન્ટિફિકલી કે ખરેખર આપણે બોડી છીએ, બોડીના ઓપરેટર છીએ કે બોડીના ડિસ્ટ્રોયર આપણે છીએ. તો આ ત્રણમાંથી એક કે આપણે નથી.
क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तेने आपने नथी माटे आपने शरीर આપણે શરીર હોય તો પુનર્જન્મ હોય એટલે જે બળી જાય છે તે હું નથી અને હું બળતો તો હું નથી બળતો એ કોણ હોઈ શકે શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્મા બળે માટે કન્ફ્યુઝન નીકળે છે કે હું શરીર નથી પણ આ પહેલું કન્ફ્યુઝન બીજું હું શરીરને ચલાવતો નથી શરીરને કોણ ચલાવે છે કુદરત ચલાવે છે શરીર જે ભોગવે છે હું ભોગવું છું તો કે આ શરીર ભોગવે છે આત્મામાં કર્મ બાંધવાની અને કર્મ ભોગવવાની સ્વતંત્રતા બેમાંથી એક કેમ નથી સમજાય છે એટલે કહેવાનો મતલબ દરેક વસ્તુને સિદ્ધાંતથી એક્સેપ્ટ કરો ચોપડીમાં લખ્યું છે એટલે નહીં તમને કન્વિન્સ થવું જોઈએ ને કોઈ તમને પૂછે છે કે હું શરીર નથી આત્મા છું કયા આધારે તો કે ચોપડી માં લખ્યું છે એટલે એ જવાબ કહેવાય મારા ગુરુ કીધું છે એટલે જવાબ કહેવાય એ લોજિક કહેવાય એ તો મિકેનિકલ છે તમે પોતે કન્વિન્સ થયા નથી એટલે કોઈને કન્વિન્સ કરાઈ શકતા પણ અને માટે આજનું યંગ જનરેશન આવી ચોપડીઓની વાતોને એક્સેપ્ટ કરતું કે એમાં કોઈ લોજિક જ નથી તમે બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરો છો કેવું કરો છો કોઈ પ્રિન્સિપલ નથી એટલે પહેલું જોઈએ કે હું શરીર નથી પણ હું આત્મા છું પણ એની પાછળ લોજિક જોઈએ કે ખરેખર કઈ રીતે હું શરીર નથી જ્ઞાનીએ કીધું એટલે એવું નહીં સિદ્ધાંત તો હોવો જોઈએ ને કે દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિ એક્સેપ્ટ કરે એટલે આપણે શરીર છીએ નહીં શરીર ચલાવતા નથી અને શરીર કુદરતે કર્મ ભોગવવા માટે આપ્યું છે શા માટે આપ્યું માનવીય કર્મ હશે તો મનુષ્યનું બોડી મળશે પાશવી કર્મ હશે તો પશુયોનીનું બોડી મળશે રાક્ષસી કર્મ હશે તો નરગતિનું બોડી મળશે અને દૈવી કર્મ હશે તો દેવલોકનું બોડી મળશે પણ બોડી કોણ આપે હવે આ પાકું થયું કે ના થયું એટલે હું શરીર છું એ ભ્રાંતિ ભ્રાંતિ નીકળવી જોઈએ એટલે પહેલું હું શરીર નથી પણ હું આત્મા છું આ પહેલું અજ્ઞાન કાઢવું પડશે બીજું અજ્ઞાન આ શરીરને હું ચલાવું છું એ કાઢવું પડશે આપણે ચલાવતા કોણ ચલાવે છે અને ત્રીજું શરીર જે ભોગવે છે તે હું ભોગવતો હવે આ શરીરને હું ચલાવતો નથી તો આ બધાના શરીરને કોણ ચલાવે છે બોલો તો પછી રાગ દ્વેષ કરવાનો ક્યાં પ્રશ્ન આવે કે તે આમ કર્યું તે આમ બોલ્યું તમે આવું બોલ્યા તો પ્રશ્ન આવ્યો બધાના શરીરને કોણ ચલાવે છે બધાના મનોચન કાયને કોણ ચલાવે છે તો જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને કીધું મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કેલી થઈ ગયું કેલી થઈ ગયું કે નહીં તો પેલું વાક્ય તો વાંચ્યું તું પણ ટેલી કોને કર્યું તું ટેલી થવું જોઈએ ને તો સાયન્સ કહેવાય ને સ્વામી પણ કુદરતના આધારે બધું જ તમે સંજોગ વગર વાણી બોલી શકો સંજોગ પણ ઉભા કરે પાછું વાત એક મેં જાય કે બોલવા માટે સરસ છે પણ પ્રેક્ટિકલિટીમાં નથી આવતું એટલે જ્યારે સંજોગ થાય ત્યારે હાજર હાજર ના થાય એટલે પ્રેક્ટિસ ની જરૂર છે શાની જરૂર છે જે વસ્તુ આપણે સિદ્ધાંતની સમજતા નથી સિદ્ધાંતની સમજાઈ ગઈ છે ખરી પણ એની જાગૃતિ રહેતી નથી તો એનું કામ આપણે આપણા વિઝનને આપણી દ્રષ્ટિને પાવરફુલ બનાવવાની કારણ કે ખોટું સમજીને પણ કેટલા અવતાર કાઢવા એમ કહું છું હું શરીર છું એવું સમજીને કેટલા અવતાર કાઢવા કારણ કે એને બાળવાનું છે નક્કી કે નહીં અને પાછું હું ગળતો નથી એ નક્કી કે નહીં તો પછી હું શરીર કઈ રીતે હોઈ શકું
કોમન સેન્સ ની વાત છે ને અને બાળવાનું ખરું કે નહીં ખરું કે નહીં તો પછી પુનર્જન્મ કોનો થશે તો પછી આપણે આત્મા છે કે શરીર હું ખરેખર બરોબર છું તો પછી પ્રશ્ન ક્યાં છે હવે આ સમજ્યા પછી મારી જાગૃતિ રહેતી નથી તો જાગૃતિ વધારવાની છે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાથી જ વધે ને કોઈ પણ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરો તો જ આવડે ને થાય આ ગાડી ચલાવવી તો પહેલે ચલાવતો આવડી જાય પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કોઈ પણ તમારે ક્રિકેટ રમવી તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે નહીં સ્વિમિંગ કરવું તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે નહીં આ રસોઈ બનાવવી તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે કે નહીં તમારે ભણવું હોય તો પ્રેક્ટિસ કરવી દરેકમાં પ્રેક્ટિસ થાય કે નહીં ધંધો કરવો તો એ પ્રેક્ટિસ જોઈએ કે પહેલે આવડી ના જાય બધું પ્રેક્ટિસ જ તમને પરફેક્ટ બનાવે વગર પ્રેક્ટિસ એ ના થાય પહેલા સમજી લેવાનું પછી સમજ્યા પછી ઉપયોગ કર કરવાનો ભલે ચૂકી જઈએ પાછું ગોઠવણી કરવાની પાછું ચૂકી જઈએ પાછું ગોઠવણી કરવાની એમ કરતા જ એક્સપર્ટ થાય ને સમજાયું કે નહીં આજે આપણે બિઝનેસ ઉપર બેઠા આજે આજે બધું આપણને આવડી જાય માલ નીચે લેવાનો માલ નીચે ખરીદવાનું આટલું તમને થોડું આવડ્યું આજે તે પરફેક્ટ નથી આવડતું પણ થોડું આવડ્યું પછી વેપારીને ઓળખવાનું કઈ રીતે ખ્યાલ આવશે એ કે આંખો પરથી ખ્યાલ આવે ઇટ રિક્વાયર ધ એક્સપિરિયન્સ એની ભાષા એની એટીટ્યુડ કઈ રીતે એની ઇન્ફોર્મેશન લેવી આ બધું પ્રેક્ટિસ જ આવે ને એટલું કે જોવાથી આવે એમ દરેક વસ્તુમાં પ્રેક્ટિસ કરવાથી જ પરફેક્ટ સમજાયું એટલે આ શરીર જે છે એ શરીર એ કુદરતે આપેલું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે શું છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કર્મ ભોગવવાનું સાધન કુદરતે આપ્યું છે આપણે નહીં કોઈ માણસ એવું નક્કી કરે કે મારે નરગતિમાં જવું છે તો કોણ નક્કી કરે કુદરત નક્કી કરે તો પછી બોડી કોણ આપે કે આપણે કે કોણ મારે નરગતિ જોયો છે બોડી કુદરત જ નક્કી કરે તો મનુષ્યનું બોડી કોણ નક્કી કરે પશુનું બોડી દેવલોકનું બોડી નક્કી પણ એ કરીને આપે એટલે આના ઉપરથી એક તો નક્કી થાય છે ને કે આ આપણે નથી એમ કહું છું મારે પેલા પાકું કરાવું છે કે આ આપણે નથી ચારે ગમતે માંથી ગમે ત્યાં હોઈએ પણ આ આપણે નથી આ શરીર કર્મ ભોગવવાનું સાધન છે અને જેવા કર્મ પતી જાય એટલે એને બાળી નાખવાનું આટલું તો સમજાય છે ને કે અમાર મુશ્કેલી લાગે સમજવા એટલે પહેલું અજ્ઞાન કાઢવું પડશે કે હું શરીર છું બીજું આ શરીરને હું ચલાવું છું હું નથી ચલાવતો કુદરત ચલાવે છે કયા આધારે ગયા અવતારના કુદરત પણ એની મરજીથી ચલાવતો હવે જો કુદરત જ બધાના શરીરને ચલાવતું હોય શરીર એટલે મન વચન કયા તેને આવી ગયું તો પછી આ જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે કરે એના માટે જવાબદાર કઈ રીતે હોય જો આ બધાના મન વચન કાયાને કુદરત જ ચલાવે છે તો પછી એ જવાબદાર કઈ રીતે હોય જે કઈ કરે છે એના માટે સારું અથવા ખરાબ જે કઈ કરે છે એના માટે જવાબદાર કેવી રીતે હોય જ્યારે એનો સંચાલક જ કુદરત છે તો જવાબદાર નહીં હે જવાબદાર નહીં નહીં પણ આપણે અજ્ઞાનતાથી માનીએ છીએ કે એ જવાબદાર છે એ આપણું શું છે કૈકેયીના નિમિત્તે રામને વનવાસ થયો રામે કૈકેયીને દોષિત ના જોયા એ રામની દ્રષ્ટિ હતી ને આપણે જ્યારે રામાયણ સાંભળીએ ત્યારે કૈકેયીને દોષિત જોઈએ એ આપણી દ્રષ્ટિ છે ના સમજાય તો કિંમત સંજોગોની છે કે દ્રષ્ટિની છે એટલે રામ મોક્ષે ગયા ને આપણે અહીંયા ફરીએ છીએ તો કિંમત શેની છે દ્રશ્યની છે દ્રષ્ટિની તો સુધારવાનું શું છે
સમજાય છે? જો કરતા જ નથી તો દોષિત કેમ? કરતા નથી તો દોષિત કેમ? સમજાય? એટલે મારો કહેવાનો મતલબ આ મન વચન કાયાથી જન્મથી મોત સુધી જે કંઈ પણ થાય છે એ બધું જ કુદરતી રચના છે. તમામ મન વચન કાયાની વાત છે અને એના માટે કોઈ સ્વતંત્ર કરતા પણ મને કરતા દેખાય છે એ મારું અજ્ઞાન છે અને એ દ્રષ્ટિને શું કરવાની છે? કેળવવાની છે. એમાં કોઈ જગ્યાએ ક્રિયા આવે તો બદલવાની. સ્ટાર્ટિંગ એ અજ્ઞાન છે. હું તો અભી ગલત ભી કરતા હું તો વો ભી કુદરત કા હી. લાખો લોગો કી હિંસા કરકે રામ મોક્ષ મે ગયે. હા યા ના? તો ફિર ગલત નહીં કિયા થા, સહી કિયા થા? જો લોગ મર ગયે વો સબ દોષિત થે, તો ફિર ક્યું મોક્ષ મે ગયે રામ? રામાયણ મે અર્જુન ને લાખો લોગો કી હિંસા કિયા, મહાભારત મે, ઠીક હૈ? તો જો લોગ મર ગયે લાખો સૈનિક વો દોષિત થે, મર ગયે ને, તો ઉસકે લિયે અર્જુન દોષિત નહીં, વહી અવતાર મે મોક્ષ મે ગયે, ક્યું? એક કર્મ બે નહીં બદલે. શાંતિનાથ કુંથુનાથો અવનાથ તીન તીર્થંકર, તીન 24 મે સે તીન તીર્થંકર જો ચક્રવર્તી કે રૂપ મે પેદા હુએ. ક્યા બતાયા? ચક્રવર્તી. छह खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया. कितना? सिक्स कॉन्टिनेंटल, नॉट कंट्री. कॉन्टिनेंटल समझते हैं ना कि नहीं समझते हैं? तो कितनी हिंसा किया होगा? वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में मोक्ष. वाय बोलिए. हमने तो एक को भी नहीं मारा है तो फिर हम क्यों घूम रहे हैं? बोलिए मिस्टर कहाँ है? दृष्टि. क्रिया में है कि दृष्टि में है? तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि. और हम करने का प्रयास क्या करते हैं? क्रिया. है कि नहीं करते? तो कैसी दृष्टि? कैसी दृष्टि? मैंने कहा ना ये शरीर बनाने वाला कुदरत है, चलाने वाला कुदरत है, अंत लाने वाला कुदरत है दुनिया के हर जीवों का, तो फिर राग द्वेष करने की आवश्यकता कहाँ है? तो वो राग द्वेष करना भी अपने हाथ में नहीं है. अगर आपके हिसाब से अगर कुदरत चलाता है तो राग द्वेष करना भी अपने हाथ में नहीं है. आप राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म कैसे बनेंगे? तो कुदरत के अधीन है ना अपना जो भी मत. क्रिया कुदरत के हाथ में है कि राग द्वेष सब कुदरत के हाथ में है? कुदरत करवाती है ना ऐसा. क्रिया की बात करते हो राजवेश की, फिर डिसाइड करो. बोल बोल नहीं कहो. आपका प्रश्न राजवेश के ऊपर है या क्रिया के ऊपर है? राजवेश क्रिया नहीं, राजवेश दृष्टि है. राग वो भी दृष्टि है, द्वेष वो भी दृष्टि है. मैं यहाँ बैठे बैठे भी किसके ऊपर राग द्वेष बिना बोले बिना क्रिया कर क्रिया क्रिया कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं? तो तुम्हारा प्रश्न क्रिया के साथ जुड़ा है या दृष्टि के साथ, वो बताओ. तो क्रिया में राग होते ही नहीं. अगर हमने चाकू लगाया तो क्या कहूंगा? द्वेष. और मशीन ने काट दिया तो द्वेष नहीं. आपको बताना पड़ेगा. अगर आपने क्रिया में द्वेष बताया तो मशीन को भी द्वेष बताना पड़ेगा. क्रिया सेम हुए, मशीन ने भी उंगली काटी, चाकू ने भी उंगली काटी, क्रिया तो एक ही हुई दोनों. अगर क्रिया में द्वेष कहोगे तो उसमें भी द्वेष ऐसा बताना पड़ेगा. तो ये क्या कर्म? बोलिए. नहीं समझ में आया? आपने कहा मेरा प्रश्न क्रिया के ऊपर है, ठीक है? तो किसी ने चाकू से उंगली काट दिया तो आप क्या कहोगे? उसने काटा,
उसने काटा नहीं। अभी प्रश्न हमारा दो के ऊपर है, राग एंड द्वेष, आपको उत्तर देना है, उनमें से एक को देना है, द्वेष से देना है। और कोई मशीन ने काटा तो कोई राग द्वेष नहीं। क्यों? जब क्रिया के ऊपर द्वेष हुआ तो क्रिया तो उन्होंने किया, काटने की क्रिया दोनों ने किया, व्यक्ति ने भी किया और मशीन ने भी किया, तो उनमें द्वेष नहीं, उसमें द्वेष ऐसा क्यों? अगर क्रिया की बात है तो क्रिया तो उन्होंने भी किया, मशीन ने भी किया। वो जीव है, निर्जीव है, ये काटा आदमी ने वो जीव है, मशीन ने काटा निर्जीव है। और ये जीव है नहीं, नहीं, जिसने काटा वो बोल रहे की जैसे अपना हाथ काटने वाला जीव जीव था, इसलिए वो द्वेष के अंदर है। अपने हाथ काटने वाला जीव जीव, हाँ मतलब शरीर ही नहीं, शरीर ही नहीं, शरीर जीव होता है तो फिर इसको जलाते क्यों है? बोलिए, अगर जीव है तो फिर जलाते क्यों? शरीर जीव है के शरीर में जीव है, दोनों में से उत्तर आपको देना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। अगर ये शरीर जीव है तो इसको जलाया नहीं सकते, इसको क्राइम कहेंगे। शरीर में जीव है तो निकल गया, बाद में जला सकते हैं, तो वो क्राइम नहीं है। तो शरीर जीव है क्या? शरीर में जीव है, शरीर में जीव है। तो धीरे धीरे मेरी हर बातों को आप में करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक वो भ्रांति की बात ही चलती रही, उनको ही चेतन माना। फिर मैं जब प्रश्न करूंगा तो आपको ये नहीं, अभी अंदर है तो ये जड़ है, तो मशीन भी क्या है, ये भी क्या है, खत्म हो गई बात। तो जो व्यक्ति आत्मा में रहता है और ये मशीन लाखों लोगों की हिंसा करे तो कर्म बंध, मगर जो लोग हिंसा करेंगे मगर कहेंगे कि मैं शरीर हूं तो इनको पाप। यहां बात कौन सी है, क्रिया की दृष्टि की? तो बदलना क्या है, अभी समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं? तो करेक्शन दृष्टि में करना है या क्रिया में करना है? समझ में आया कि नहीं? हर एक लोग बोलते हैं कि आपने गलत किया, आपने गलत किया, आपने गलत किया। व्यवहार से गलत किया है तो गलत किया, वो बोले तो तकलीफ नहीं है, दृष्टि में सही होना चाहिए। व्यवहार से कोई कहेगा अगर मेरे से कोई चीज फूट गई, टूट गई, और कोई कहेगा कि आपने तोड़ी है, तो व्यवहार से तो मैं कहूंगा हाँ मेरी गलती है। अंदर से समझना है, ये संजोग के अधीन है, मैंने तोड़ी, मैं तो उनसे मुक्त ऐसा सोचा, मगर बाहर व्यवहार से बोलना पड़ेगा। व्यवहार यानी क्या कहता है, व्यवहार का मतलब होता है रिलेटिव ट्रुथ, क्या बोलता है, और दृष्टि में क्या होता है, सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ या रियल ट्रुथ जो कभी परिवर्तन। रिलेटिव ट्रुथ तो परिवर्तन हो सकता है बार बार, मगर रियल ट्रुथ परिवर्तन। तो रियल ट्रुथ में मैं शरीर नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, पर व्यवहार से मैं शरीर हूं, पर व्यवहार से ही शरीर ने गलती किया है, मगर वो वास्तव में मैंने शरीर ने किया है, क्योंकि मैं शरीर। जब हम भगवान महावीर की बात करेंगे तो कान में खिला ठोकने वाले के �ऊपर भी द्वेष नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरे कर्मों का हिसाब है। तो हमारे कर्मों का हिसाब नहीं है तो फिर द्वेष क्यों करते हैं? तो बस तो ज्ञान था, ज्ञान था, उनके पास ज्ञान था, हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं प्रैक्टिस की बात कहा। फिर बात आ गई, कहा आ गई, प्रैक्टिस घुमा घुमा के यही आएगा, आपको ही ये दृष्टि पक्की करनी, देयर इज नो ऑप्शन। कच्ची हमारी तो पक्की किसको आप करने पड़ेगी, दूसरे को नहीं, हमको ही करनी पड़ेगी। समझ में आता है?
तो इसीलिए पहले अज्ञान को समझो, मगर अज्ञान को समझने के लिए विज्ञान को समझना पड़ेगा। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं, और अज्ञान जो रिलेटिव सत्य है वो बार बार परिवर्तन होता है, हर बर्थ में परिवर्तन होता है। जीवन में एक ही व्यक्ति की हर अवस्था में परिवर्तन होता है। एक ही व्यक्ति को कहेंगे तुम किसी के पुत्र हो, तुम किसी के पति हो, तुम किसी के पिता हो, कहेंगे कि नहीं। तो रिलेटिव सत्य एक होता है कि अनेक होता है, बोलिए। और मैं शुद्धात्मा हूं वो एक। कोई भी अवस्था में वो परिवर्तन होगा नहीं। तो मैं शुद्धात्मा हूं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और मैं देहधारी हूं, नामधारी हूं, स्टेटस वाला हूं, वो रिलेटिव ट्रूथ है। मगर रिलेटिव ट्रूथ वो मैं नहीं। वो दृष्टि होनी, वो कर्मों की भुगतान का साधन है। तो सनातन सत्य में ये हुआ उसका कोई कुछ नहीं है तो सनातन सत्य का ये हुआ कि इसका कोई किसी से लेना देना नहीं। आत्मा से किसी से लेना देना नहीं है, शरीर से है, और लास्ट में शरीर को ही जला दिया जाता है आत्मा को, और जैसे जल गया सभी हिसाब। तो ये जागृति में रखनी है, बस वही जागृति को पक्की करनी है बार बार। इसमें धर्म, क्रिया, संप्रदाय, गुरु, मंत्र बीच में आता है, जरूरत भी है, मगर लोगों ने अपनी धर्मांधता को बढ़ाने के लिए, धर्मांधता को बढ़ाने के लिए ऐसी क्रियाकांड के ऊपर जोर दिया ताकि आप उसी क्रियाकांड में पड़े रहे, बाहर झांकने की कोशिश न करें। और हर धर्म वाले ने अपने अपने क्रियाकांड बना दिया और लोगों को उसी क्रियाकांड के अंदर क्या कर दिया, सैर कर दिया। अभी आपको बाहर कुछ देखना नहीं है, देखोगे तो मर गए। यही होता है। मैंने इसको फॉर्मेट बताया, क्या बताया, दुनिया के हर धर्म एक ही प्रकार के फॉर्मेट से चलता है, एक ही प्रकार का फॉर्मेट। सभी धर्म कौन सा फॉर्मेट एक प्रकार का है, हर धर्म में एक भगवान का कॉलम होता है कि नहीं, हर धर्म में एक गुरु का कॉलम रहेगा कि नहीं, हर धर्म के अंदर एक मंदिर का या स्थानक का कॉलम रहेगा, हर धर्म में एक मंत्र का कॉलम रहेगा, हर धर्म में एक शास्त्र का कॉलम रहेगा, हर धर्म के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य का कॉलम रहेगा, हर धर्म के अंदर ये रिचुअल्स का कॉलम रहेगा, और हर धर्म में संस्था का कॉलम रहेगा। इसको क्या कहते हैं, वो सभी धर्मों में क्या है, बराबर के नहीं, यही से चलता है धर्म। और अध्यात्म है बियॉन्ड फॉर्मेट, क्या है, अगर फॉर्मेट से ऊपर जाओगे तो अध्यात्म समझ में, उसके पहले समझ में नहीं आया। गुरु जाए हुए प्रवचन देते हैं शास्त्र का, एक एक चीज पे देते हैं, एक एक चीज पे बोले, तो आखिर उसी में रहते हैं, अलग अलग बताते हैं, ये करो वो करो, ये क्या करो वो करो, लेकिन वो अलग अलग टाइप्स है, सो मेनी टाइप्स, तो बताते हैं आखिर उसमें ही रहते हैं, तो उसे बाहर नहीं निकलते। कैसे निकलते, कुदरत का कानून साफ कहता है कि मैंने कोई भी जीव को श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है, मगर आपको समझ में आता है, हाँ या ना बोलो, समझ के हाँ या ना बोलो, मैकेनिकल नहीं। आपके पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है, बोलिए,
है। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी हमारे पास नहीं है तो और क्या हम कर सकते हैं वो तो बताओ। कहने वाला कोई भी कहे, प्रश्न कौन कहने वाला है वो नहीं है, प्रश्न प्रिंसिपल का है। किसकी है कि भी आखिर हम कुछ कर सकते हैं अपनी मर्जी से जब श्वास भी नहीं ले सकते हैं। अगर हम श्वास लेते हैं खुद अपनी मर्जी से तो बंद भी कर सकते हैं, कर सकते हैं बंद क्यों? तुम लेने वाले हैं तो बंद भी कर सकते हैं। समझ में आया? अगर तुम श्वास लेते हैं तो फिर रात को सोएंगे कौन? बोलिए। नहीं, मैंने तुमको कितना सारा एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझना है कि श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति मेरे पास है या नहीं है। जब श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है तो जो श्वास से मन वचन काया चलता है क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। तो फिर ये करो ये करो ये ना करो शब्द कहां से आया? बोलिए। शब्द बोले तो वो शास्त्र का बता दे। मैं कुछ दुनिया के कोई भी शास्त्र बताएगा पर कुदरत का कानून दुनिया के लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? दुनिया के कानून दुनिया के शास्त्रों के आधार से होता है। बोलिए। कुदरत का कानून तुम्हारे शास्त्रों से चलेगा? शास्त्र तो सबके अलग अलग है और कानून तो एक है, फिर क्या करोगे? तो इसीलिए तो बता रहा हूं कि दुनिया के सभी धर्म वो फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। जो किताबों में लिखा गया है वही तो बताएंगे। वो भगवान ने बताया, केवल ज्ञानी बताया करके, ज्ञानी भगवान ने बताया करके आता है। बराबर है, बराबर है। उन्होंने जो बताया अपनी भाषा में वो बराबर है, उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है। क्या है? वक्तव्य देना और शास्त्रों की बात बताना, ये उनकी फर्ज है, क्योंकि वो साधु है, संत है, सन्यासी है। और कहाँ से बात करेंगे? कोई रामायण की बात करेंगे, कोई गीता की बात करेंगे, कोई आदम की या महावीर की बात करेंगे, कोई शिव की बात करेंगे, कोई कृष्ण की बात करेंगे, ठीक है? और उनके शास्त्रों में बताया वही बताएंगे आपको। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। उसके बाद से कुछ नहीं, शास्त्र में वही। हाँ। उसके बाद का कुछ भी नहीं। इनका सब्जेक्ट है सिलेबस। क्या है? नहीं समझना। आज का कॉमर्स को काम में नहीं आएगा, कॉमर्स को साइंस वाले को काम में नहीं आएगा, साइंस वाले का टेक्नोलॉजी काम में नहीं आएगा। सबका सिलेबस क्या है? ऐसे सबके शास्त्रों का सिलेबस भी क्या है? राम वाला कृष्ण को नहीं मानेगा, कृष्ण वाला महावीर को नहीं मानेगा, महावीर वाला शिव को नहीं मानेगा। सबका सिलेबस क्या है? अभी इसमें सनातन सत्य हो सकता है लेकिन सनातन सत्य है करके समझ के बैठे। वो क्या कहता है वो छोड़ दो ने, हमको क्या समझना है वो इम्पोर्टेंट है। प्रवचन देते हैं ना, बस बोलते वही है, वही शास्त्र का वही है करते। मगर शास्त्र का है वो, हमने काम मना किया। मैंने कहा सनातन सत्य नहीं है वो काम है, शास्त्र तो सिलेबस है। सिलेबस नहीं समझे? सभी किताबों में क्या बताते हैं पढ़ाते हैं, तो ये सिलेबस मेरा है और पूरे साल में पढ़ना है। तो आर्ट्स वाले का भी अलग होता है, कॉमर्स वाले का अलग होता है, साइंस वाले का अलग होता है, आईटी वाले का अलग होता है, सबका क्या होता है? सिलेबस। तो गलत कैसे कहेंगे? मगर ये सनातन सत्य नहीं है, इतना तो समझ में आता है कि नहीं? सिलेबस का मतलब होता है सबका अपना अपना एज पर सब्जेक्ट व्यू पॉइंट हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? जो कुदरत के कानून के ऊपर होगा वो सबके लिए क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो धर्मगुरु जो भी बताते हैं वो सही है, मगर कैसे सही है
क्योंकि वो धर्म गुरु शास्त्र की बातें बताते हैं, अपने अनुभव की बताते हैं नहीं है। तभी तो आपको समझना चाहिए कि अगर साइंस का टीचर है वो साइंस पढ़ाते हैं, बराबर है, जो किताब में लिखा है वही पढ़ाएगा रहे, और साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनुभव किया, तो साइंस के टीचर ग्रेट है या साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बोलिए। और टीचर क्या करेगा? जो साइंटिस्ट ने खोज किया वही बताए। नहीं, मगर वो खुद ने खोज किया है? नहीं, साइंटिस्ट ने। हाँ, वो कहाँ लिखा है? वो क्या करते हैं? तो जितने धर्मगुरु क्या करते हैं, मगर वो अनुभवी नहीं समझना। हमको अनुभव करना है कि सिर्फ पढ़ना है? तो उनको नहीं हुआ तभी तो सब प्रूफ है। तो वो किताब हम क्यों बताते हैं? महावीर ने किताब में बताया, क्यों नहीं बताया? कृष्ण भगवान ने किताब में सूत्र दिया, क्यों नहीं दिया? बताओ ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने? वो कुछ ज्ञान ही थे, अनुभव ज्ञान। तो भी आपने स्वीकार कर लिया कि शास्त्र बताने वाला डाली ने अनुभव नहीं नहीं है? दो बातें मत करो। एक बात आपने कहा कि उसके पास अनुभव था इसीलिए वो किताबों में से नहीं बताते, तो किताबों में तो बताते, वो अनुभव ही नहीं है। सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हुआ कि नहीं? अगर मेरे पास अनुभव है तो मैं शास्त्र में से नहीं बताऊंगा, अगर मेरे पास अनुभव नहीं है तो शास्त्र के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। फिर हमको समझना है कि हमको अनुभवी चाहिए या शास्त्र ज्ञानी चाहिए। वो हमारी पसंद की है, उनकी पसंद की नहीं है। वो तो कहता है मैं जो शास्त्र में लिखा था आपको पढ़ाता हूँ। वो खुद प्रूव करता है कि मेरे पास अनुभव, वो प्रूव नहीं करता है, बोलते नहीं है। जो किताब है इसकी मेरी मैच्योरिटी है उसके मुताबिक वो लेवल का मैं पढ़ाता हूँ, बट आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस। इतना बड़ा प्रूफ है, प्रूफ समझते हैं ना, कि मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूं, ये इतना बड़ा प्रूफ है कि आई हैव अ नो एक्सपीरियंस। और जो बिना किताब बताते हैं वो प्रूफ है कि दे हैव अ एक्सपीरियंस। ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। बोलिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है? मगर इतनी छोटी सी बात है, समझने के लिए आम लोगों को कितने अवतार लग जाते हैं। अवतार समझते हैं? साल की बात नहीं करता हूँ, सच्ची बोलता हूँ। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन लोगों के दिमाग में सेट नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि 24 तीर्थंकर ने पढ़ के बताया तो कहना, राम ने पढ़ के बताया तो कहना, कृष्ण ने पढ़ के बताया तो कहना, श्रीमद रामचंद्र ने पढ़ के बताया तो कहना, दादा भगवान ने पढ़ के बताया तो कहना, फिर ये कौन करता है, पढ़ के बताता है, फिर भी क्या नहीं? या तो ये गलत या तो ये गलत। तो जो पढ़ के बताता थे दे आर द गुड टीचर बट नॉट एक्सपीरियंस। बिना पढ़ के बताते दे हैव एक्सपीरियंस, दे डोंट रिक्वायर द बुक्स, इनको किताब की जरूरत। और इसीलिए अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं इससे किताब बनती है, और बिन अनुभव पुरुष इसी किताब में से पढ़ाते हैं। Yes or no? Yes. It is very simple and straightforward. इसमें किसी की प्रशंसा या निंदा की बात नहीं है, it is a matter of principle. ये सिद्धांत की बात है। ये समझने के लिए अवतार लिए जाते हैं, क्योंकि सेट नहीं होती है ना। हमारा दिमाग क्या है, शास्त्रों की अलंकारिक भाषा, शास्त्रों की हिस्टोरिकल टॉक सुन सुन के हमको अच्छा लगता है, कहानी सुनना अच्छा लगता है। आप समझे, हमारा दिमाग ऐसा माइंड सेट हो गया, क्या हो गया? पर ये जो बात है ना ज्ञानी की है या कोई भी है,
वो उसी को ही समझ में आती है जिसकी खुद की आत्मा में इतनी पुण्यानुबंधी पुण्य श्रेय हुई हुई होती है, तो ही वो कोई इस बात को समझ सकता है। हम कभी भी किसी के ऊपर जबरन अपना कोई भी बात रख करके अपन उसको नहीं मनवा सकते, और मनवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जिस चीज का जीव का डेवलपमेंट होएगा, जब वो उस स्तर तक आएगा, तो उसका ऑटोमेटिक उसका विकास होएगा। हम उनको समझाने वाले कौन होते हैं, या हमें क्यों उन्हें समझाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं, हमें तो सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तीर्थंकर भगवान भी जितने लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो सभी मोक्ष में नहीं जाते हैं, क्या बताए, मगर इनका काम क्या है, प्रश्न करे तो उत्तर दे, और हमारा भी काम क्या है, प्रश्न करे तो समझना किसका काम है। फिर दादा भगवान ने जिसको ज्ञान दिया वो सब समझ गए, मगर दादा भगवान ने क्या कहा कि भी आप मेरे को प्रश्न करोगे मैं क्या कहूँगा, उत्तर दूंगा, आप कितना समझते हैं वो तो आपकी बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम समझाना है, आपका काम प्रश्न करना है, फिर आप प्रश्न नहीं करोगे तो मैं समझूंगा आप समझ गए, फिर भी आप नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति का काम क्या है, प्रश्नों का, जितने अनुभवी ज्ञानी वही बताएंगे कि आप प्रश्न करोगे मैं क्या करूँगा, उत्तर दूंगा। नहीं, मैं जनरल वे में बात कर रही हूँ, जैसे हम कभी भी कहीं भी बैठे होते हैं तो हम सर्टन कोई भी एक बात आती है तो उस बात के ऊपर हम खुद ही मतलब अपना बोलने लग जाते हैं, ऐसे नहीं होता है, हमारे दादा भगवान ने तो ऐसे बोला था, ऐसे कहा था, ये सब रॉन्ग हो जाता है, फॉर्मेट बताने की जरूरत ही नहीं है, जब जिस जीव का जितना डेवलपमेंट होना होगा वो होएगा। फॉर्मेट का मतलब क्या है, फॉर्मेट का मतलब आपने जो फॉर्मेट को फॉलो किया है वो तो अपने आप बाहर जबान से निकलेगा। आप सुनिए, एक भाई थे अहमदाबाद के, बहुत 20 साल पहले की बात करता हूँ, हमारा सत्संग था, तो एक महात्मा ने कहा, महात्मा ही थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि दादा भगवान ने जो ये कहा है वो हमको पुरुषार्थ के रूप में मानना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि तो उन्होंने बताया है, बराबर है। तो मैंने कहा जो साधु भगवान, सन्यासी भगवान या धर्मगुरु हर धर्म के फरमाते हैं कि ये राम ने कहा है, ये कृष्ण ने कहा है, ये महावीर ने कहा है, वो भी करना चाहिए। नहीं, आप समझो, आपके पास कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट, फॉर्मेट समझते हैं, दिमाग में बैठ के वो करते रहो, इसमें कॉमन सेंस, फिर जब प्रश्न करेंगे तो वैसा तो करेंगे, तो समझ में नहीं आता फिर। भाई व्यक्ति ने कहा है इसीलिए करना है तो मैं गलत नहीं कहूंगा, हर महान पुरुषों ने कहा है, नहीं कहा है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो सबका पालन करो, फिर वो भी दे आर द ग्रेट ऑल्सो। तो प्रश्न ये नहीं है किसने कहा है, प्रश्न ये है कि कुदरत का कानून क्या है, वो समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो फिर प्रश्न रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें खुद को, हमारी जो भी बात है वो अनुभव करनी है, हमें हमारी खुद की बातों को ही अनुभव करना है, और किसका, हम यही तो करना है, हम यही तो नहीं करते हैं, हम दूसरों की बातों को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए मैंने कहा जब मैं कुदरत के कानून की बात करूंगा, सनातन सत्य की बात करूंगा, इसमें कोई व्यक्ति ने किया वो प्रश्न आएगा नहीं, और जब कुदरत का कानून है इसके ऊपर कोई है नहीं, और कुदरत के कानून बिना तुम्हारा लाइफ भी, तो इसीलिए उसको जानना जरूरी है, या किताब की बात या व्यक्ति की बात नहीं होती है। जब किताब की बात करूंगा तो फिर धर्म भी आएगा, व्यक्ति भी आएगी, जब मैं कुदरत के कानून की बात करूंगा तो कौन सा धर्म आएगा, कौन सी व्यक्ति आएगी, इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया, और यही
सनातन सत्यों को समझ के अनुभवी ज्ञानी पुरुष अनुभवी बने, वितराग बने और मोक्ष में भी गए। तो पुरुषार्थ हम लोगों को करना है तो वो मतलब रियलाइजेशन कर करके उसको ही पुरुषार्थ कहा गया। हाँ, मगर किसका रियलाइज करने का है? हमारे खुद की, हमारी जो गलतियां हैं उनका। गलतियों का भी नहीं करना है तो? इसका भी नहीं करना है, हमको अनुभव करना है ये दुनिया में सनातन सत्य क्या है और व्यवहार सत्य क्या है। पहले लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाओ, क्या बनाओ? सनातन सत्य और व्यवहार सत्य। जितना व्यवहार सत्य आपकी दृष्टि में पक्का होगा इतना राग द्वेष होने वाला ही है। नहीं समझ ये मेरा फादर है वो सनातन सत्य है या व्यवहार सत्य? व्यवहारिक सत्य। ये मेरा फादर है, ये मेरा मदर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरी मिल्कत है, ये साधन है, संपत्ति है, डिग्री है, सत्ता है, ये सब रिलेटिव सत्य है ना? हाँ। तो रिलेटिव सत्य को पक्का करना है? नहीं। तो रिलेटिव सत्य को पहले समझोगे बाद में मानूंगा कि रिलेटिव सत्य है, वो कुदरत का कानून है, वो कर्मों का फल है, भुगतान है, तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। मगर इसको डीप में नहीं जाना है तो और क्या जानना पड़ेगा? तो क्या सनातन सत्य जानो, तो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो फिर बाकी के रिलेटिव सब्जेक्ट रहे नहीं। अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर शरीर को चलाने वाला भी नहीं हूँ, अगर इसको नहीं चलाता हूँ तो किसका शरीर को चला, कौन चलाएगा अपने शरीर को? तो कोई नहीं चलाने वाला है, मतलब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कोई भी व्यवहार करता है तो राज द्वेष की जरूरत है, क्योंकि सभी का मनोचन का है, कौन चलाता है? कुदरत। तो फिर राज द्वेष की संभावना क्या है बताइए? फिर राज द्वेष की संभावना या आप शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाले हैं, हर व्यक्ति जो शरीर के साथ है वो उनका शरीर भी वो चलाते है नहीं? सबका शरीर कौन चलाता है? कुदरत। तो ये भी पांच महाभूतों से बना है। नहीं, वो कहते ना जैसे क्षेत्र से, काल से, भाव से और द्रव्य से, और पांचवा तत्व तो आत्मा तत्व हो गया। तो आकाश तत्व का क्या सेंस, स्पेस का क्या? बिना स्पेस हम कुछ कर सकते हैं? बिना स्पेस हम हिला सकते होंगे? नहीं हिला सकते। बिना स्पेस हम श्वास ले सकते हैं? बिना स्पेस श्वास ले सकते हैं? श्वास कहाँ जाएगी? स्पेस में। तो बात वही, बिना स्पेस पानी पी सकते हैं? तो स्पेस के बिना कुछ भी कर सकते हैं? ये दुनिया छह तत्वों से बनी है और ये दुनिया छह तत्वों से चलती है और ये मन वचन काया भी छह तत्वों से ही चलता है। इसीलिए कहा पिंडेशो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडेशो पिंडे। ये सब हमने सुना तो है, इसका प्रिंसिपल वालों पढ़ा है, सुना है, मगर जैसे वही बात को मैं रियलाइज करवाता हूँ, कोई नई बात नहीं बताता हूँ। तो हमको ये मालूम नहीं था, क्या नहीं था? तो एक दिन आपको ये सनातन सत्य समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रगति संभव। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। कुदरत ने कहा तुम सुखी हो ऐसा मानते हो ना, ये तुम्हारी भ्रांति है। बोला क्यों? मेरे पास बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर, पैसा सब कुछ है, तो मैं सुखी नहीं हूँ? तो कुदरत ने कहा तुम हर समय अपने सुख को माइनस कर रहे हो। यस और नो? तो ये प्राप्ति है या लॉस है? मेरे को देवगति मिली 1,00,000 वर्ष की, मैंने सुख की भुगतान किया 1,00,000 वर्ष तक, बाद में जीरो होके, तो ये प्राप्ति है?
इट्स अ कंसम्पशन, इसको आप अचीवमेंट कहेंगे? नहीं। तो आज मैं सुखी हूं वो आनंद करने की बात है। ऑलवेज यू कंज्यूम योर हैप्पीनेस, ऑलवेज यू कंज्यूम योर क्रेडिट, आपकी क्रेडिट हर समय कम हो। यह आनंद की बात नहीं। और अगर कोई व्यक्ति दुख झेल रहा है तो सेम दुख भी उसका माइनस हो रहा है, प्लस। समझ में आया? हर बातों को सिद्धांत से समझना पड़ेगा, अपने व्यू पॉइंट से नहीं। सनातन सत्य क्या कहता है, जो सबके लिए है। जैसे सुख माइनस होता है वैसे दुख भी। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी कल कुछ हो गया था, अच्छा बुरा, कल याने प्रीवियस डे कहूंगे, एक वीक कहे पहले कहूंगे, एक महीने पहले कहूंगे, छह महीने पहले कहूंगे, जो भी कहूंगे, मगर बिफोर हो गया है, इसको याद करके, इसको याद करके हमको करेक्शन करने की जरूरत है कि नहीं? करेक्शन करने वाले हम नहीं है, हमको कहाँ करेक्शन करना है? आपको तो उत्तर देना है, है कि नहीं? गिव मी आंसर ऑन राइटिंग पेपर, उसमें एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, लिखने का है बस, है नहीं है बस। जो गलतियां की है उसको तो हम पुरुषार्थ करके प्रायश्चित करके उसको कम, पहले हम करने वाले थे ये, हमने वहाँ पे मान करके यही किया था, लेकिन आज हम करने वाले नहीं है, लेकिन जो पहले की किए उसके भुगतान तो करनी पड़ेगी। इसीलिए इस सिद्धांत को लोग समझ नहीं सके, क्योंकि धर्म को समझा, विज्ञान को नहीं समझा। किसको समझा? विज्ञान। धर्म को नहीं समझा, विज्ञान को नहीं समझा, धर्म को समझा। विज्ञान क्या कहता है? सबसे पहली बात, कुदरत कहती है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उनके लिए तुम 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि यह कर्मों का फल है। यस और नो? एवरी ब्रीथ इज योर कर्म, एवरी स्पीच एक्शन एंड थॉट इज योर कर्म। कर्म मतलब कर्म का फल। यस और नो? हर श्वास लेते हैं वो हमारा आयुष्य कर्म का फल है, हाँ के ना? और श्वास के साथ जो क्रिया करते हैं मनोचन क्या है कि वो भी क्या? वो श्वास क्यों दिया आपको? वो श्वास क्यों दिया आपको? 50 साल 17 80 90 साल का आयुष्य क्यों दिया? Why? Because of your suffering of your कर्म, कर्म के भुगतान के लिए तो आपको आयुष्य दिया, पर कर्म खत्म हो गए तो जला दिया जाएगा, रोल खत्म हो गया इसका। तो जो भी करते हैं इनके लिए आप जिम्मेदार, मगर आपके अंदर अज्ञानता है ये मैंने किया, ये मेरा है, मालिक की भाव और कर्ता भाव। तब तो आप हर क्रिया के लिए या हर संजोग के लिए या हर साधन के लिए आप जिम्मेदार है। तो प्रश्न अज्ञानते के ऊपर है या एक्शन के ऊपर है? अज्ञानता के ऊपर, सॉरी। तो निकालना क्या है? अज्ञानता। और वेट किसके ऊपर दे रहा है? एक्शन। मैंने किया, वेट यहाँ दे रहे हैं, और कर निकालना क्या है? तो आप कॉमन सेंस की बात करो, कुदरत क्या कहती है? जैसे आज 6 फरवरी 2020 है, ठीक है, 6 फरवरी 2020 है, और हम सब 5 फरवरी 2020 और उसके पहले समय के लिए मर चुके हैं। यह सुनो, यह सुनो, और आज जी रहे हैं वो आज के लिए जी रहे हैं या कल के लिए? आज के लिए। तो हमको आज की सोचना चाहिए, कल का सोचना चाहिए?
कल के लिए कुदरत ने आपको आयुष्य भी दिया था, श्वास भी दिया था, संयोग भी दिया था, हाँ या ना? और आज के श्वास, आपका आज का श्वास, आज का आयुष्य आज के कर्म के लिए है या प्रीवियस डे कर्म के लिए है? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? फिर अगला पिछला कुछ रहा बोलते नहीं है। नहीं, बात तो समझनी पड़ेगी। गोल गोल नहीं चलेगा। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल, गोल गोल नहीं। ऐसे आपने धर्म में जो कुछ जाना है वो गोल गोल जाने, यही तकलीफ है, क्योंकि वहाँ सिद्धांत की बात ही नहीं है, वहाँ तो किताब में ये लिखा है। ऐसे तो मतलब जैसे हमने मतलब अभी हमारे जो रूटीन लाइफ में हमने इतने जनों का दिल दुखाया है, किसी को मारा है, किसी को खूब कुछ किया है, तो मतलब हमें क्या राइट्स है कि हम उसे मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो कर्म कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में मतलब क्यों, मतलब बहुत बहुत राग द्वेष बहुत हो जाते हैं। तुम्हारे पास ये मन वचन काया चलाने की स्वतंत्रता है, फिर घूम के वही आ जाता है ये, क्योंकि विज्ञान न किसी ने बताया है और न कहीं किताबों में लिखा गया है, आपको कौन बताएगा? जब यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है। आपने जो कुछ कहा वो व्यवहार सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया, क्या प्रायश्चित किया? तो अगर ऐसा है तो हम आए क्यों? आपके कर्मों के भुगतान के लिए, क्योंकि आपने अज्ञान से कर्म बनाए हैं तो भुगतान करनी पड़ेगी। कब बनाए हमने अज्ञान से कर्म? कर्म अज्ञान से जो भाव होता है इससे बनता है, कर्म क्रिया से नहीं बनते। मैंने इतने सारे आपको उदाहरण दे दिए जो लास्ट बर्थ में मोक्ष में गए, इसका मैंने उदाहरण दे दिए, राम का भी दिया, अर्जुन का भी दिया, तीर्थंकरों का दिया, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की हिंसा किया था लास्ट बर्थ में, वो मोक्ष में गए। तो मैंने स्टार्टिंग में, जब से मेरी स्टार्टिंग हुई, जब से मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे मतलब इस संसार में ही आना पड़ा? कर्म, बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? बिना कर्म कौन आपको जन्म देगा? नहीं, वो जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से ही तो आए हैं हम सब। रॉ मटेरियल मतलब क्या? वो निगो जो भी अपन कहते हैं। हाँ। मतलब एक जब मोक्ष आता है तब एक जीव इधर आता है, फिर? तो तब हमने क्या ऐसा कर्म किया? उस समय तो कुछ नहीं किया है, वो आपका डेवलपमेंट का ग्रोथ होता है। तो मतलब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ही मतलब बहुत मतलब ठूस ठूस करके मतलब जो जीव हैं वो बड़े बड़े हैं। तो मतलब एक मतलब बाहर निकला तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट का ग्रोथ, उसका प्रोसेस वहीं से मोक्ष तक का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। बात क्या है, अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी प्रोफेशनल बनना है, बिजनेसमैन बनना है, हम सबको बाल मंदिर में ही एडमिट होना पड़ेगा, हाँ या ना? वाह, स्टार्टिंग क्योंकि स्टार्टिंग एबीसीडी वहीं से सिखाई गई, शब्द आया ना, स्टार्टिंग आया ना शब्द, वी आर द भाई मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की किताब दो ना, बाल मंदिर में क्यों बिठाते हो? तो बोला स्टार्टिंग, यहाँ स्टार्टिंग समझ में आया, यहाँ नहीं आया। भाई मेरे को मोक्ष में जाता है पर स्टार्टिंग, तो धर्मगुरु भी यही बता रहे कि पहले इट इज अ इट ग्रेजुअली यू आर डेवलप्ड ग्रेजुअली। हाँ, तब हमारे को किसी ने मतलब किसी की हमने हेल्प नहीं ली कि हमें कोई ग्रोथ करे, वो हम अपने प्रकृति से ही हम लोग डेवलप, फिर जब हम लोगों को ये जो स्टेज मिलता है तभी हमारे कर्म बनने शुरू होते हैं। मनुष्य भव के अंदर ही आने के बाद जीवों की चारों ओर गति हो सकती है, इसके पहले नहीं है। और मनुष्य में आने के बाद भी चारों गति से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सकते हैं, बट ओनली ह्यूमन लाइफ, नो अदर लाइफ।
जैसे आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो धर्मगुरु भी यही बताते हैं कि इट्स अभी जैसे कि बाल मंदिर जाते हैं या जो भी धर्म क्रिया करते हैं, इट्स अ बाई स्टेप प्रोसेस टूवर्ड्स सेल्वेशन। तो वो ही बता रहे कि यू हैव टू पास थ्रू दिस फेस, ओनली देन यू कैन सी। ये तो नेचुरल प्रोसेस ही है। प्रश्न डेवलपमेंट किसको कहते हैं, क्या बताया? सेल्फ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसको कहते हैं और धार्मिक डेवलपमेंट क्या है, वो दोनों बात समझ नहीं पड़ी। नो डेवलपमेंट, धार्मिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं है। नहीं, अनुभव, अनुभव के लिए वो बोला कि मैं वही कहता हूँ। धार्मिक बात कोई भी धर्म की जब संप्रदाय है, जब व्यू पॉइंट है, उससे आपको कहा वहीं से सनातन सत्य नहीं पाओगे। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट, यू हैव टू नो द फॉर्मेट एंड यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ओनली, वॉट एवर यू बिलीव इट। आप जो मानते हैं फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इसका नाम है धर्म। यू नेवर गो बियॉन्ड फॉर्मेट एंड बियॉन्ड फॉर्मेट इज अ लॉ ऑफ नेचर एंड फॉलो द फॉर्मेट इट्स अ रिलेटिव ट्रुथ। Every format, they have own truths. हाँ या ना? तो ये process चालू ही रहता है। जहाँ तक आपको सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, वहाँ तक format से बाहर निकलना संभव नहीं है। किसी के भी लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए भी नहीं, धर्मगुरु के लिए भी संभव नहीं। जो लोग फॉर्मेट से बाहर निकल सकते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग है, जो लोग फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए पाप पुण्य का मार्ग है, जन्म मरण का मार्ग है और चारों गति में घूमने का मार्ग है। इसमें कौन मना करता है? इसमें कोई मना नहीं करता है, मगर चारों गति से मुक्ति पाना है तो आपको फॉर्मेट से बाहर आपका विजन ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए अनुभवी विज्ञानी चाहिए, धार्मिक व्यक्ति नहीं चलेगी। धार्मिक का मतलब ही फॉर्मेट एंड रिलेटिव, क्या बताया? क्योंकि सबका धर्म क्या है, अलग है, तो व्यू पॉइंट हो गया कि नहीं। पर मैं बात करता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो फॉर्मेट में आएगा? जब आप राम के धर्म गुरु के पास जाएंगे तो किसको भगवान कहेंगे? जब आप वैष्णव धर्म में जाएंगे किसको भगवान कहेंगे? जब जैन धर्म में जाएंगे तो? ब्राह्मण के धर्म में जाओगे तो? स्वामीनारायण में जाओगे तो? तो टाइटल चेंज हो गया है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ है या व्यू पॉइंट है? तो व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा? बात तो समझनी पड़ेगी ना। व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आएगा, व्यू पॉइंट समझ में आएगा, इससे बाहर निकलोगे तो मालूम होगा ना कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ जो सबके लिए सेम है। ये तो सेम नहीं है, आप जो फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो वो सब आपका व्यू पॉइंट है। भगवान भी व्यू पॉइंट है, गुरु भी व्यू पॉइंट है, मंदिर भी व्यू पॉइंट है, मंत्र भी व्यू पॉइंट है, शास्त्र भी व्यू पॉइंट है, वर्तमान गुरु शिष्य भी व्यू पॉइंट है, आपकी रिचुअल्स भी व्यू पॉइंट है और संस्था भी व्यू पॉइंट है। क्योंकि सबका क्या है? अलग अलग है, अलग अलग का मतलब ही व्यू पॉइंट ने। और H2O से पानी होता है व्यू पॉइंट है या सनातन सत्य? सनातन सत्य वो सबके लिए एक एक अलग अलग सबके लिए। तो आप ऊपर गए तब ने फॉर्मेट में आता है H2O से पानी, इसके लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो H2O से पानी होता है वो साइंस है या फॉर्मेट है? साइंस। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मेट से ऊपर नहीं जाओगे तो साइंस समझ में नहीं। और बाद में रिचुअल्स और लोग फॉलो करते ही हैं, इसमें कौन मना करता है? मेरी हर बातें दृष्टि के साथ जुड़ी हुई है, मन वचन काय की क्रिया के साथ। इसको राम की भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति करना है, महावीर की भक्ति करना है, शिव की करना है, स्वामीनारायण करना है, तो कोई तकलीफ नहीं। ये इसका कुल धर्म है, इसका कुल धर्म। कुल में समझते हैं पैदा होते ही मिलते हैं, मगर मैं
इनसे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो मैं शुद्धात्मा में रहूँ वो मेरा मूल धर्म है, इसका कुल धर्म है, मेरा मूल धर्म है, कोई तकलीफ नहीं। मतलब इसका धर्म मेरा धर्म बन गया, रॉन्ग बिलीव। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए यहाँ चेंज करने की बात है। साइंस मन वचन काया वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, मन वचन काया की क्रिया वो भी साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि जो मैकेनिकल है, जो कुदरत के कानून से चलता है, इसमें डीप जाने से क्या मतलब? जैसे अभी जैसे कहीं लगी है, कुछ भी हुआ है, तो दर्द तो बहुत होता है, तकलीफ तो बहुत होती है, तो फिर मतलब अंदर से तो मतलब होता है ना कि दुख रहा है मेरे को, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई ये तो इसको हो रहा है, मेरे को तो नहीं हो रहा है, तो वो कैसे बैठेगा? पर कोई आपको 5,00,000 रुपए दे जाए तो जाएगा। नहीं, पर सुख होता है ना, वो कैसे बैठेगा? सुख बैठ जाएगा तो बात एक ही है। नहीं, देखो हमारी सोच कितनी लिमिटेड है, तो बिठा नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आता है। एक भाई साहब कहते थे महात्मा कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है शरीर से, तो मैंने कहा दर्द शरीर को हो रहा है कि आपके अहंकार को हो रहा है? नहीं बोला, शरीर को हो रहा है। क्या बताया है? जो पहले सिंपल बात में तो यही बताएंगे ना कि शरीर को हो रहा है। फिर मैंने कहा कि अंदर से आत्मा निकल जाएंगी, अभी जला दिया जाएगा, कितना दुख होगा? तो पहले भी सर था, अभी भी सर चल रहा है। फिर वो अपना ओपिनियन चेंज, नो बाहर नहीं, अभी अंदर होता है। तो क्योंकि उनके पास कुछ मालूम ही नहीं है ना, जो सुनते हैं पढ़ते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि इस फैक्ट है कि नहीं। लोग बोलते हैं, हम मानते हैं, हम भी वही बोलते हैं, भी सोचो तो सही, जब इसको जला दिया जाता है तो फिर क्यों पेन नहीं होता है? तो बोला अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर आपको पेन आत्मा को होता है, शरीर को होता है? नहीं, हर बात तो मैं आप जानने की कोशिश करो तो मालूम होगा ना, आत्मा को नहीं होता है, शरीर को भी नहीं होता है, अहंकार को होता है। और कर्म किसने बनाए थे? अहंकार। भुगतान कौन करता है? अहंकार। तो प्रश्न कहाँ है? और शरीर कर्मों के भुगतान का साधन, इनके माध्यम से कुदरत आपको भुगतान करवाती है। माध्यम तो ये रहेगा ना, वो अहंकार, वो अहंकार डिस्चार्ज जो राग द्वेष करके लेकर आए, वो अहंकार ये माध्यम से, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से इसकी भुगतान करता है। अहंकार कैसा है रामेटी? ये अहंकार कैसा रामेटी? अहंकार कैसा रामेटी? बिलीफ क्या है? ओनली बिलीफ है स्वामी जी। ये जो लास्ट से लास्ट जो बात है वो यही बात है, लॉ ऑफ नेचर की जो बात है, बस वो इससे आगे कुछ क्या होगा? कुछ भी नहीं है। कुदरत के काम से ऊपर को क्या होगा वो तो बताओ, पूरे ब्रह्मांड में कुदरत के काम तो बिना किसका काम है बताओ? मगर वो नहीं जानना, वो ही हमारी अज्ञानता है, और वही अज्ञानता को निकालना है। और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा कि मोक्ष मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, दाता दुर्लभ है। क्या बताया? मार्ग को बताने वाला दुर्लभ है। हर बात, हर व्यक्ति किताबों की बात, हर व्यक्ति किताबों की बात, हर व्यक्ति किताबों बात करेगा, कोई अनुभव की करेगा। ये सब जो लेवल्स हैं, हमें मतलब जो जीवात्मा है उसको समझाने के ये सब लेवल्स है। नहीं, लेवल से वो तो हम स्वीकार करते, उसमें क्वेश्चन नहीं करते। हाँ। हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो आए इसको समझाने का। क्या बताया? वो हमारे पास आया क्यों? Who create the circumstances? नेचर। तो हमारे पास जो होगा वही बताऊंगा ना। आप 5वें स्टैंडर्ड में चले गए, 5th स्टैंडर्ड में, तो टीचर क्या पढ़ाएगा?
आप सातवें स्टैंडर्ड में चले गए तो आप कॉलेज में चले फर्स्ट ईयर में चले गए तो आपका प्रश्न है टीचर का प्रश्न है। टीचर तो कहेगा मैं स्टैंडर्ड को पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आना है तो बैठिए, नहीं समझ में आता तो और स्टैंडर्ड ऊपर या नीचे चले जाओ। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ टीचर। यस और नो? तो मेरे पास आएगा तो मैं क्या कहूंगा? वही बताऊंगा। आप कहोगे कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है तो यू कैन गो एनीवेयर, दिस इज योर चॉइस। तो मेरे पास क्या रहेगा? वही रहेगा। टीचर तो अपनी बात नहीं चेंज करेगा, स्टूडेंट को समझना है कि अगर मेरे को बात समझ में नहीं आती है तो गो इन लो स्टैंडर्ड। आपको समझ में आया? अगर मैं महावीर के पास जाऊंगा और प्रश्न करूंगा तो महावीर मेरे को उत्तर देंगे। मेरे को समझ में नहीं आता है तो मेरे को लो स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा, वो मेरा सब्जेक्ट है। मगर महावीर क्या कहेगा? लो स्टैंडर्ड की बात करेगा? वो करेगा? असैद्धांतिक बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप समझे कि नहीं? तो सिंपल बात है। और इसीलिए मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा मेरे को यही बात करना है, फिर उसको पसंद नहीं आता है तो वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य की बात है ही नहीं। तो फिर प्रश्न कहाँ रहा? क्योंकि मेरी बात आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। क्या है? आउट ऑफ स्टैंडर्ड। मगर फिर भी यह स्टैंडर्ड किसी को सेट नहीं होता है तो वो कहीं भी जा सकता है। ओपन, आप समझे? फॉर्मेट में ऐसा पॉसिबल नहीं। व्हेन यू फॉलो द फॉर्मेट, फिर क्या कहेगा? आपको ये फॉर्मेट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर चलोगे बाहर जाओगे तो गिर जाओगे। मगर साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहेंगे, वो कहेंगे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है यू कैन गो एनीवेयर, दिस इज योर चॉइस, राइट और रॉन्ग। साइंटिस्ट किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो गुरु वो अनुभवी है और गुरु है वो शिष्य बनाते हैं। बिकॉज दे हैव अ ओनली नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर और वो आपको दे रहे हैं, इसीलिए वो गुरु है और आप शिष्य हो। ज्ञानी खुद की बात नहीं करते हैं, ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो उन्होंने अनुभव किया है तो वो शेयर कर रहे हैं, ये उसका भी नहीं है। तो मालिक कैसे बनेगा? तो मालिक नहीं है तो गुरु भी नहीं है। तो गुरु नहीं है फिर भी किसी को बताता है, मतलब वो अपने अनुभव को क्या करता है? अगर आपको राजवेश खत्म करना है, कसाय खत्म करना है, अज्ञान खत्म करना है, जन्म मरण खत्म करना है तो ये सनातन सत्य को समझो, यही मैंने अनुभव किया है वो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मगर ये अनुभव का ज्ञान मेरा नहीं है, अनुभव मेरा है। ज्ञान तो सनातन सत्य है, इसका कोई मालिक भी हो सकता है। ये ज्ञान राम कृष्ण महावीर का भी नहीं है, उसका अनुभव हो सकता है मगर ज्ञान नहीं। तो यह गुरु शिष्य की बात कैसे करेंगे? तो इसीलिए वास्तव में निष्पक्षपाती बात क्या बताया? कोई पक्ष और पंथ नहीं। मुक्ति का मार्ग जहां कोई बंधन नहीं, जहां कोई लॉ नहीं, नो लॉ लॉ, समझ में आया? आपको ये करना ये न करना सब्जेक्ट ही नहीं है। और वितरागों का मार्ग ऐसा ही होता है, इसमें न किसी को बंधन होता है, है? बंधन को मतलब बंद जीव किसी से बंधा हुआ नहीं है, ये तो कर्म है उससे अज्ञानता से बंधा, अज्ञानता से बंधा, शरीर से नहीं बंधा हुआ है अज्ञानता से। शरीर तो कल अपने आप मगर अज्ञानता रहेगी तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट थिंग हमारे अंदर अज्ञान है, इसको 100% निकालना पड़ेगा, स्लोली स्लोली एकदम से निकल जाए वो मैं बात नहीं करता हूँ, पर प्रोसेस तो वही रहेगी। आज तक हमने क्रिया से पुरुषार्थ माना था तो वेट कहाँ दिया? क्रिया के ऊपर। अभी मैंने क्या कहा, क्या निकालना है? अज्ञान। तो वेट कहाँ जाना चाहिए? अज्ञान। चेंज योर विजन, पहले फोकस यहाँ था, अभी अज्ञान निकालने में रह गया।
क्यों क्यों पहले फोकस किया था, क्योंकि यह शरीर मैं हूँ, चलाने वाला मैं हूँ, भुगतान करने वाला मैं हूँ, तो बदलना भी पड़ेगा क्योंकि ये बात मेरे को पसंद नहीं है। अभी समझ में आया कि मैं शरीर हूँ नहीं, शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, और जो शरीर भुगतान करता है वो भुगतान करने वाले नहीं, तो ये मेरा शब्द है, मेरा सब्जेक्ट है शुद्ध आत्मा। मगर वो अनुभव में क्यों नहीं आता है, क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच अज्ञानता का कर्टेन है। क्या है वो कर्टेन? निकालना पड़ेगा ने अज्ञानता के कर्टेन। क्या बताया? अज्ञानता की जेल। क्या बताया? वो जेल, जहां तक जेल में है वहां तक आप कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति था, सुखी संपन्न व्यक्ति था, उनके 50 करोड़ रुपया बैंक में पड़े थे, मगर कारण बस उनका केस चलता था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से। अभी डिक्लेयर हो गया कि तुमने जो गलती किया है उसके लिए 10 साल की जेल। क्या बताया? अभी वो जेल में जाता है, और जेल से बैंक 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। नहीं समझ में आया? जेल से बैंक जिसमें पैसा था वो 1 किलोमीटर भी दूर नहीं, फिर भी वो 1 पैसा अपने नाम पे होते हुए यूज नहीं कर सकते। क्यों? जेल में ऐसे मगर पैसा तो बैंक में उसका नाम का ही है, फिर भी उपयोग ऐसे हम अज्ञान की जेल में है, वहां तक आत्मा की अनंत शक्तियों का अनुभव भी होते हुए, या पैसा है या अनंत शक्तियां है कि नहीं, मगर हम क्या है? अज्ञान की जेल। तो निकालना क्या है? शरीर तो वही रहेगा, आत्मा भी वही रहेगा, निकालना क्या है? अज्ञान की जेल को मिटाना है, इसको बदलना है। तो कैसे भी करके ये वास्तविकता तो समझनी पड़ेगी। गोर गोर कहां तक चलेगा? कर्म इतने सारे हैं, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अज्ञान के जेल में निकलने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अज्ञान को समझो तभी तो अज्ञान निकलेगा। वो अज्ञान समझते नहीं है क्या? वो तो समझ क्या करेंगे? अज्ञान जाएगा फिर हजारा होता से यही तो करते हैं। हमने कभी अज्ञान निकालने के लिए सोचा ही नहीं थे, हमने यही सोचा प्रकृति को बदलो, प्रकृति को बदलो, प्रकृति बदलो, फिर अज्ञान कैसे निकलेगा? नए कम चार्ज करते रहे बस, अनंत बोलने के लिए। आखिर रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में कर्मों के भुगतान करनी पड़ी, उन्होंने कहा मेरे को प्रकृति को बदलना है, उन्होंने अपनी प्रकृति को परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि वही होता है मोक्ष में गए। राम भी युद्ध करके गए, वो काल अर्जुन भी युद्ध करके गए, बोलिए वो काल अवस्था, ये काल कुदरत का कानून काल के आधार से होता है, सतयुग है कलयुग, कुदरत का कानून काल के आधार से होता है, क्या काल में एक ही कानून होता है कुदरत का? उत्तर तो दो, एक ही कानून तो एक ही, सतयुग में कानून अलग होगा कुदरत का, और अभी अलग ऐसा होगा? नहीं, सेम सेम कानून है। कुदरत का कानून काल के मुताबिक चलेगा? नहीं नहीं, यहाँ रात है तो कानून अलग, अमेरिका में दिन है तो कानून अलग, ऐसा ना? क्या आपने काल कहा तो समय तो अलग अलग है, ऐसा चलेगा? कुदरत का कानून स्वर्ग देवलोक है नरक लोक है, या तो जहां सतयुग है कलयुग है वह अलग अलग होगा कि एक ही होगा? एक ही होगा, बोलो एक ही होगा। तो फिर काल की बात कहां है? तो कुदरत का कानून नहीं समझना वो अज्ञान है, सतयुग कलयुग अज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दिन रात वो अज्ञान नहीं है, कुदरत का कानून नहीं जानते हैं वो सर्वकाल के लिए एक है। कैसे जाने? राइट और रॉन्ग कैसे जाने? वही तो बता रहा हूं। तो काल का आखिर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो क्या है?
धार्मिक बात है कि सनातन सत्य है, सबके लिए एक एक अलग अलग है, तो ये कुदरत का कानून हो गया है। धार्मिक सत्य सब समुदाय में क्या होता है, अलग अलग, और कुदरत का कानून सबके लिए क्या होता है, एक ही होता है। जब मैंने कहा यह मशीन है तो वो धार्मिक सत्य है सनातन सत्य, तो कुदरत का कानून हो गया। आप समझे कि नहीं समझे, जब कोई इंडिविजुअल बात नहीं होती है, जब तब सांप्रदायिक बात नहीं होती है, जब कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं होती है, जब कोई क्रिया विशेष बात नहीं होती है, तो वही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसमें फंसा हुआ है सबके पास व्यू पॉइंट है, और व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आया। हर बात में कुदरत का कानून कौन सा है, कुदरत ये कहती है ये शरीर मेरा है, शरीर को चलाने वाला मैं हूँ और अन्न लाने वाला मैं हूँ, ये श्वास भी मेरा है, हवा भी मेरी है, पानी भी मेरा है, खुराक भी मेरा है, और कर्म के हर संजोग भी मेरे हैं। तुम्हारा क्या है, ये पंच महाभूत का शरीर वो भी मेरा है, बोला ये नैपकिन वो भी मेरा है, ये कॉटन मेरा है, ये और नो कॉटन किसका है, पैसा दिया, ये मकान बना है रॉ मटेरियल किसका है, ये बना रॉ मटेरियल किसका है, कुदरत से आया, पैसा दिया कुदरत को, तो मालिक कौन है, यू आर ओनली असेंबल बट यू आर नॉट क्रिएटर, यू आर नॉट क्रिएटर, यू आर नॉट ओनर। कुदरत कहती है कि आपने ये चीज बनाया या तो पैसे लिया, ये चीज भी पैसे लिया, इट इज ओके, स्टिल यू आर नॉट ओनर, क्योंकि रॉ मटेरियल मेरा था, मेरा है, और मेरे पास ये पंचभूत मेरे पास था, अभी भी मेरा ही है और बाद में भी मेरा ही रहेगा, ये कॉटन मेरा था, मेरा है, और बाद में 5-10 साल के बाद मेरे पास आ जाएगा, ये सुन लो, ये मकान भी 50-100-200 साल के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, ये लकड़ा भी मिल जाएगा। कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी, वो बताओ, आप सुन नहीं, दुनिया ये 5 इंद्रियों से भुगतान करते हैं, उसके बाद करता हूँ, ये 5 सेंसेस से जो भुगतान करते हैं, उसमें से कौन सी चीज मेरी है एज अ ओनरशिप, वो बताओ, क्योंकि इसके लिए तुम राजवश करते हैं, इसके लिए राजवश करते हैं, तो बताओ कौन सी चीज हमारी है, तो राजवश करते हो, अज्ञान है क्या, नहीं तो निकालना क्या है, अज्ञान, बात आ गई, अज्ञान निकालना है, और अज्ञान कहाँ है, मन वचन कहाँ है या दृष्टि में, दृष्टि, तो चेंज कहाँ करना है, दृष्टि या मन वचन का है कि बात, हर बात में सेंटर वही आएगा, चेंज योर विजन, और इसीलिए मैंने टाइटल दिया आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन एंड आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ विजन, ये दुनिया को कैसे देखते हो जिससे आपका राग द्वेष अज्ञान खत्म हो जाए, बस ये आपका विजन है, जो भगवान महावीर ने दुनिया देखा, ये राग द्वेष अज्ञान खत्म हो गए, वो आर्ट ऑफ विजन था, और वही विजन हमारे पास होना चाहिए। मैं विजन की बात करता हूँ, मैं मनोचन का है की बात, फिर तुम्हारा मनोचन क्या है, क्या है, वो सब्जेक्ट है नहीं मेरे लिए, उसमें मेरे को सुख है दुख है वो सब्जेक्ट ही नहीं है, समझ में आया, सब्जेक्ट है तुम्हारे विजन में रिलेटिव ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर नहीं है तो यू हैव टू करेक्ट योर विजन, या माइंड स्पीच एंड एक्शन की बात, तो इसीलिए किसी को अच्छे समझोगे बुरे समझोगे वो सब्जेक्ट नहीं, किसी को कौन धर्म में फॉलो करता है वो भी सब्जेक्ट नहीं, कौन सा गुरु है वो भी सब्जेक्ट, कौन से भगवान को मानते हैं वो भी सब्जेक्ट नहीं, कौन सा मंदिर है कौन सा रिचुअल है वो भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट कनेक्टेड विद द बॉडी एंड आई एम सेपरेट देन बॉडी, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग खत्म हो गया,
फिर यह धर्म परिवर्तन करने की बात है, है बात क्या? आपका धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? नहीं, वो तो वही रहेगा। या दृष्टि परिवर्तन करना है, धर्म तो वही रहेगा। आप समझे? इसको कहते हैं कुल धर्म। ये जो धर्म का फॉलो करते हैं इसको कहते हैं कुल धर्म। जो कुल में ये पैदा हुआ तो उसका धर्म तो रहेगा, मगर पैदा शरीर होता है कि आत्मा? पैदा कौन, जन्म कौन लेगा? तो धर्म किसका होगा? और मैं कौन हूँ? मेरा जन्म होता है तो उनका धर्म मेरा धर्म हो सकता है? बस इसमें गलती कहाँ है बताओ मेरे को? वेरी तो मिस्टेक। ये कहता है मैं जैन हूँ, वैष्णव हूँ, शिव हूँ, स्वामी हूँ, तो विज्ञान कहता है कोई तकलीफ नहीं। ये करता, ये जैन है ना, मगर तुम शुद्धात्मा हो के शरीर हो, तो मैं शुद्धात्मा हूँ तो तुम जैन हो सकते है? बोलते नहीं शुद्धात्मा जैन हो सकता है, वैष्णव सिंपल बात है। एक महात्मा ने कहा मैं तो दादा भगवान का फॉलोअर हूँ, शरीर की आत्मा की बात करते हो ना? शरीर मैं आत्मा की बात करूं, शरीर करता हूँ भाई? तुम इसका फॉलोअर, तुम्हें मैंने मना कहा किया? ये राम का फॉलोअर हो सकते हैं, कृष्ण के हो सकते हैं, महावीर होते हैं, स्वामीनारायण के भी हो सकते हैं, श्रीमद रायचंद्र के हो सकते हैं, दादा भगवान के भी हो सकते हैं, कौन मना करता है? मगर तू शरीर है कि शुद्धात्मा? पहले वो बता, तो तुम किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? तो तुम्हारा धर्म दोनों धर्म को जोड़ते क्यों? इसमें गलत सही की बात, ये अपना धर्म फॉलो करेगा, तू तुम्हारे दृष्टि में तुम्हारे धर्म में रहो ना। समझ में आया? श्रीमद राजकुमार ने कितना साफ बोला, सर्वात्मा समदृष्टि दो या वचन ने हृदय दो। कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारु खरु, कोना संबंधे वर्गणा ए राखु के पर हूं। एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे मैं करया, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। रे आत्मतारो आत्मतारो शीघ्र एने ओढ़को, सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय करो। कौन छू क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारु, आ कोना संबंधे वर्गणा राखू के पर एनो विचार विवेक पूर्वक शांत भावे करो। आपने हमने अनेक पत्र में लिखियो कर विचार तो पाओ, पर आपने विचार नहीं करवानो, कीधु ये करवानो शुरू करी नाखो, पछी 10 वर्ष पछी कि आपलू करियो तो रिजल्ट आयो नहीं। पण भाई मशीन गमे एटलू चाले एने कई दे पुण्य बंधाय? बोलता नथी। आ ऐसी 10 वर्ष चाले तो पुण्य बन जातो ना? समझाऊ? आ 10 वर्ष थी ठंडा काफे तो एने पुण्य ना बंधाय, तो खबर नथी पड़ती आ मशीन ने पुण्य ना बंधाय? एने वेचवानो अने बाळवानो, आनी तो रीसेल वैल्यू आवे, आनी तो रीसेल ना आवे। बोलता आने तो बंगार में कोई ले जाए, अन ले जाए कोई? तो बात समझो ना, आय मशीन छे ने, आय मशीन માણસ બનાવ્યું છે, આ કુદરત બનાવ્યું છે ભગવાન ને, એ ભગવાન ને શું કે ખબર છે? એ ભગવાન તમારા કરતા હું મહાન છું કે છે શિલ્પકાર? કોણ? શિલ્પકાર। એટલે ભગવાન કે તું મારા કરતા કઈ તો મહાન, મેં તો તને બનાવ્યો છે। तो शिल्पकार शू कहते खबर छे? भले तमे मने बनायो तो हूं महान छु। तो भगवान के ते कही रीते? तो के तमारा बनायला बधा झगड़े छे ने मारा बनायला ने बधा पूजे छे। बोलते नहीं हो? करेक्ट। तमारा बनायला झगड़े छे ने मारा जितला बनाऊ छु ने बधा पगे लागे छे। सो आई एम करेक्ट? यस। भगवान ने चक्कर आई गया। आ तो खाली गम्मत करो। तो तमे आज ये कीधु तो
માણસ ની દ્રષ્ટિ દોષિત છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ દોષિત નથી, બધા એકબીજાના પર દોષે કુદરત જ છે. સમજવાની છે બધા, જે કોઈ મને થાય છે કરે છે એ બધું કોઈ કરતું નથી, એ તો નિર્દોષ જ છે અને કુદરત જ કરાવે છે બધું. અને આપણા કર્મનો ભોગ બનવું છે. નરસિંહ મહેતા એક વાક્યમાં કહ્યું, હું કરું એ જ જ્ઞાન. અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહ્યું, કરે છે કોણ એ સમજે તો ઉકલે કાય નહીં કોણ. અને આપણે કરે છે કોણ એ સમજવાનું છે. આ કરે છે કુદરત, ને આપણે લોકો નાખેસ કરીએ છીએ, લોકો દોષિત જોઈએ છે. ભાઈ આ કુદરત કરે છે, ભાઈ એ નથી કરતો બચારો, એને કરવું પડે છે, એની પાસે ચોઈસ પણ. પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં અજ્ઞાન હોવાથી એ કરે છે એવું માનીએ છીએ. રાજદેશ અમે એક જ સિદ્ધાંત કહ્યો એક્ઝામ્પલ સમજાવવા માટે, કે આપણે અહીંયા પોસ્ટમેન આવે છે કે નહીં, શું કરે પોસ્ટમેન, શું કરે ડિલિવરી ધ પોસ્ટ. હવે પોસ્ટ ડિલિવરી કરે છે, એમાં ગમતી આવે ના ગમતી આવે, યસ કો નો, એમાં ચેક ભી આવે ને પકડ વોરંટ આવે, આવે કે નહીં, તો એના માટે પોસ્ટમેન જિમ્મેદાર? ઇઝ ઓનલી ડિલિવરી મેન, ડિલિવરી ધ મેલ, કરેક્ટ. એમ આપણા જીવનની અંદર આ બોડી સિવાય આપણા ફાધર મધર, ભાઈ બહેન, પતિ પત્ની, બાળકો, સગાવાલા, મિત્રો, ગ્રાહકો, વેપારીઓ, ફ્રેન્ડ્સ, નેબર, આ બધા આપણા માટે પોસ્ટમેન છે. ધે ડિલિવર્ડ માય કર્મ, ઓલો પોસ્ટની ડિલિવરી કરે છે. આઈ ડિલિવર, ધે ડિલિવર્ડ માય પોસ્ટ, સેમ થિંગ ધે ડિલિવર્ડ માય કર્મ. મારું પાપનું ઉદય હશે તો દુઃખ આપીને જતા રહેશે, અને પુણ્યનો ઉદય હશે તો સુખ આપીને જતા રહેશે. પણ ડિલિવરી મેન ઇઝ ઓલવેઝ ઇનોસન્ટ, યસ ઓર નો? યસ. હવે એને ઇનોસન્ટ નથી જોતા, એ આપણું અજ્ઞાન. તો કરવાનું શું છે? મન વચન કાયને બદલવાના નથી, આપણે બદલવાના કે નથી, બીજાના. સમજાયું કે નહીં? સિદ્ધાંત તો સમજવો પડશે ને સાહેબ. મને ઘણા બધા કે, મને કે સ્વામીજી આટલું અદ્ભુત ને ઊંચું જ્ઞાન છે તો અહીંયા સંખ્યા ઓછી કેમ આવે છે? મેં કહું, ગરાગી કરિયાણા વાળા ને ત્યાં હોય કે ડાયમંડ વાળા ને ત્યાં હોય, બોલતા નથી. ડાયમંડ વાળા ને ત્યાં તો ઘણી વખત 15 દિવસે કોઈ કસ્ટમર ના આવે. આચું ખોટું સાહેબ, આચું બોલો, આચું ખોટું. 15 દિવસે તો બધા ખોલી જાય, પણ આવું જ ડાયમંડ ઇઝ નોટ નેસેસરી. લગ્ન કરવા આવે તો ડાયમંડ લેવા જરૂર, ગોલ્ડ જોઈએ, પણ ડાયમંડ જરૂર છે? તો 15 દિવસ જ ના આવે. પણ વેલ્યુએબલ વસ્તુ છે, એમ કહો આપણું ડાયમંડ છે, આ બધા માટે કામનું, બહુ જ પુણ્યશાળી હશે અને ડેવલપ થયેલો હશે અને પુણ્યશાળી હશે, એના માટે આ વિજ્ઞાન છે. એકવાર પુણ્યથી અહીંયા આવશે ને, પણ ડેવલપ નહીં હોય ને તોય જતો રહેશે એના સ્ટાન્ડર્ડમાં. સંખ્યા નો પ્રશ્ન છે તમે આટલા સાંભળો છો ટીવીમાં, બધા સાંભળશે. એટલે હું મારું જે વિઝન છે બોલતી વખતે, હું એવું નથી માનતો કે હું આ 15 વ્યક્તિઓને કહું છું, હું 10 લાખ વ્યક્તિઓને કહું છું, એ રીતે બોલું છું. એટલે મોટા ભાગના લોકોનું કન્ફ્યુઝન નીકળી જાય, દેટ ઇઝ માય એપ્રોચ, નોટ ઓનલી યુ. એટલે ઘણી વખત તમારે જવાબ કરતા હું વધારે બોલું છું ને, એનું કારણ સાંભળનારને પણ સમાધાન મળી જાય. દેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન, નોટ ઓનલી ફોર યુ. સમજાય છે? એટલે આ વિઝન સાથે હું બોલું છું, સમજાય છે મારી વાત? એટલે દરેક બાબતની અંદર હું ક્લેરિટી કરું છું, હું મારો એફર્ટ મૂકું છું, નોટ ઓનલી ફોર યુ. જે સાંભળે એને ઘેર બેઠા પણ સમાધાન, દેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન. અને આજે હજારો લોકો દેશ ને વિદેશમાં ખાલી સાંભળીને આવે છે, સમજાય છે? ખાલી સાંભળી. તમે લોકોના મેસેજ વાંચો, મારા વોટ્સઅપમાં આવે, ઈમેલમાં આવે, તો લોકો શું કહે છે કે સ્વામીજી ખબર નથી પડતી, 50 વર્ષ થયા, 55 વર્ષ થયા, 60 વર્ષ થયા, કેટલા સાધુ સંતોને મળ્યા, જ્ઞાન લીધું,
પુસ્તકો વાંચ્યા, પણ જે તમારા સત્સંગમાં ત્રણ ચાર સાંભળ્યા, આખું વિઝન જ બદલાઈ ગયું. પાછું મળ્યા વગર, શું કીધું, ફિઝિકલ મળ્યા નથી, મેં કોઈ ફોર્માલિટી કરી નથી જ્ઞાન વિધિની, છતાં એની દ્રષ્ટિ એવું એ કન્વિન્સ કરે છે. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, સામે વાળું કહે છે કે મારી દ્રષ્ટિ બદલ ગઈ. સિર્ફ સુન કે દેખો કિતના પાવર હૈ વિજ્ઞાન મેં, ક્યોંકિ વિજ્ઞાન મેરા નહીં હૈ, ઇટ ઇઝ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. ઓર મેને અબ હર સત્સંગ મેં બોલતા હું, રામ કૃષ્ણ મહાવીર જૈસે હર મુક્તગામી પુરુષો કો યહી વિજ્ઞાન કો અનુભવ કરના પડતા હૈ, ઇસકે અલાવા ઓર કોઈ સાયન્સ દુનિયા મેં આજ નહીં તો કલ, આગો આપકો આગે બઢને કે લિયે યે સાયન્સ સમજના હી પડેગા, ક્યોંકિ યે સાયન્સ કોઈ વ્યક્તિ કા નહીં નહીં ઓર કોઈ વ્યક્તિ ને બનાયા ભી નહીં, ઇટ્સ અ લો ઓફ નેચર. સમજ મે આયા? ઓર ઇસરો ઓર નાસા કે સાયન્ટિસ્ટ યે બાત સમજતે હૈ, ક્યોંકિ ઉસકો માલૂમ હૈ. જબ એક સાયન્ટિસ્ટ મેરે કો અભી મિલા વહાં ટોરન્ટો મેં, કેનેડા ટોરન્ટો મેં, તો વો ન્યુક્લિયર સાયન્ટિસ્ટ થા, ઉનકી વાઇફ એમડી થી ડોક્ટર, વો દોનો આયે ફર્સ્ટ ટાઈમ મેરે કો મિલને કે લિયે, કિસી કે કહેને સે આયે હોંગે આઈ ડોન્ટ નો, તો મેરે પાસ મિલને કે લિયે આયે. હમ વૈસે 5-6 લોગ હી થે, જ્યાદા નહીં થે. તો મેં કહા કે સ્વામીજી મેં આપકો પ્રશ્ન કરના ચાહતા હું, હુમલા કીજીએ. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ભૌતિક વિજ્ઞાન એન્ડ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન, મટીરિયલ સાયન્સ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, દોનો મેં ડિફરન્સ ક્યાં હૈ? ફંડામેન્ટલ ક્વેશ્ચન, નો ગોલ ગોલ સ્ટેટ ફોર વો સાયન્ટિસ્ટ આને. તો મેને કહા દેર ઇઝ નો ડિફરન્સ બિટવીન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ એન્ડ મટીરિયલ સાયન્સ. મટીરિયલ સાયન્સ 5 એલિમેન્ટ્સ કો બિલીવ કરતા હૈ, ઓર સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ 5+1 ચેતન કો બિલીવ કરતા હૈ. તુમ 5 જડ તત્વ કો બિલીવ કરતે તો ભૌતિક વિજ્ઞાન હૈ, યા જડ કે સાથ ચેતન કો બિલીવ કરે તો સ્પિરિચ્યુઅલ હો ગયા. બટ દેર ઇઝ નો ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ ઇન અ લો ઓફ નેચર. આપ જો 5 તત્વ કી બાત કરતે વોહી 5 તત્વ ઇસમે હૈ, કોઈ નયે નહીં હૈ, પ્લસ સોલ હૈ જો આપ બિલીવ નહીં કરતે. અગર આપ સોલ કો બિલીવ કરોગે તો સ્પિરિચ્યુઅલ હો જાયેગા, નહીં કરોગે તો મટીરિયલ સાયન્સ. તો ઇતના પ્રસન્ન ખુશ હો ગયા કે આજ તો કોઈ ધર્મ ગુરુ ને ના કહા હૈ ના મેને કિતાબ મેં પઢા હૈ. બોલા ધર્મ ઓર વિજ્ઞાન દોનો ક્યા હૈ? અલગ હૈ. એસા હી બતાયા હૈ ને? આપ પહેલી વાર બતા રહે કે દોનો એક હી હૈ, સિર્ફ હમ આત્મા કો નહીં માનતે, ઇતના ડિફરન્સ હૈ, બાકી 5 તત્વ દોનો મેં સેમ હૈ, કોમન હૈ. આપ સમજે? તો સાયન્ટિસ્ટ ભી સમજ સકતે હૈ. યસ, ઇસલિયે મેં કહેતા હું કે ધીસ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, યે રિલીજન નહીં. ફિર દૂસરા પ્રશ્ન ઉન્હોંને કહા, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઓલ ધ રિલીજન ઓફ ધ વર્લ્ડ, દુનિયા કે હર ધર્મ ઓર આધ્યાત્મ વિજ્ઞાન, યે દોનો મેં ક્યા ડિફરન્સ હૈ? સભી ધર્મો કી બાત, એક ધર્મ કી બાત નહીં, દુનિયા કે જિતને ભી ધર્મ હૈ, યે ધર્મ શબ્દ બોલતે હૈ, ઓર આપને કહા સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ કી બાત કરતા હું, તો યે દોનો મેં ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ ક્યા હૈ? મૂળભૂત વો ડિફરન્સ ક્યા હૈ? તો મેને કહા ફંડામેન્ટલ ડિફરન્સ યે હૈ કે દુનિયા કે હર ધર્મ ફોર્મેટ હૈ, ઓર મેં બિયોન્ડ ફોર્મેટ કી બાત કરતા હું. સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, સો ઇન અ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ નોટ રિક્વાયર ધ ફોર્મેટ, બટ વેન યુ ફોલો ધ ફોર્મેટ ઇઝ ધ રિલીજન, ફિર ધર્મ હોગા. બટ ધ બોડી ધ ફોલો ધ ફોર્મેટ એન્ડ આઈ એમ સેપરેટ ધેન ધ બોડી, ધેન યુ આર ધ સ્પિરિચ્યુઅલ. યુ સમજ મે આયે? અગર બોડી એ ધર્મ કા પાલન કરતી હૈ ઓર મેં શરીર સે મુક્ત હું, યે મેરા વિઝન હૈ, તો આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ. મગર બોડી જો કરતી હૈ વોહી મેરા પુરુષાર્થ હૈ, તો આપ ધાર્મિક હૈ. નાઉ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇસીલિયે ઇસકો કરના ન કરના ઓ સ્પિરિચ્યુઅલ મેં સબ્જેક્ટ નહીં. ઇટ્સ અ વેરી ક્લિયર ફંડામેન્ટલ, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ. તો લોગ કહેંગે ભી આધ્યાત્મ કે માર્ગ મેં જાયેંગે તો ધર્મ કો છોડના હૈ, ભી છોડના ન છોડના વો સબ્જેક્ટ હી નહીં હૈ, ઓર વો આપકે હાથ મેં ભી નહીં હૈ. फिर क्यों बताऊंगा मैं आपको, जब आपके हाथ में नहीं, ऐसे मेरे पास विजन है तो मैं क्यों कहूंगा आप ये करो ये ना करो, क्यों कहूंगा मैं?
आप समझे ना, जिसके पास विजन नहीं वो कहेगा, जो लोग धर्म की बात करेंगे वो कहेगा आपको तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, माला गिननी पड़ेगी, सब कहेंगे, क्योंकि वहां उसको पुरुषार्थ बताया गया है। एक महात्मा ने कहा कि स्वामी जी पहले तो मैं महावीर की पूजा करता था, आरती करता था, अभी सिमंदर स्वामी की आरती पूजा करता हूँ, तो फिर तो अभी तो मोक्ष मिलेगा नहीं। तो मैंने बोला मूर्ति का नाम बदल लो से मोक्ष, बिकॉज़ तो सेम आइडल, यस और नो, दोनों मूर्ति में क्या डिफरेंस है? तो नाम बदल दिया मोक्ष, या महावीर रख दिया तो संसार, सिमंदर स्वामी रख दिया तो मोक्ष। आप समझो, देखो बिलीफ लोगों के, आप समझे बात कहां थी कि सिमंदर स्वामी इज अ वर्धमान तीर्थंकर इन महाविदेह क्षेत्र, अगर हमको वहां से मोक्ष में जाना है, अगर आज मोक्ष में जाना है तो यहां से मगर वाया महाविदेह क्षेत्र जा सकते हैं, मगर इट्स रिक्वायर योर बेसिक एंड फंडामेंटल क्वालिफिकेशन टू नो द केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन एंड केवल चारित्र, देन आफ्टर यू गो देयर देन यू गॉट इट द केवल ज्ञान, अदरवाइज पुण्य से मैं वहां गया, सिमंदर स्वामी का दर्शन किया, दीक्षा भी लिया, तो भी केवल ज्ञान संभव, क्योंकि अज्ञान है। और निकालने की बात क्या है? तो तीर्थंकर मिलने से क्या होगा? जब आप तीर्थंकर की बातों को समझ ही नहीं पाते हो, आपको पसंद है देखना बैठना, अच्छा एनवायरमेंट है, देवी देवता वहां उपस्थित होते हैं तीर्थंकरों की देवता, वो मैं मना नहीं करता, इसीलिए आपको आनंद तो आएगा बैठने में और पुण्य भी मिलेगा, मगर अज्ञान तो आपको ही निकालना पड़ेगा, वो तीर्थंकर भी निकाल नहीं सकते। और इसीलिए मैंने कहा कि महावीर भी अपने धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, और राम भी गए सीता भी अजी क्या है, तो मोक्ष में जाना वो फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, इसे हिंदी भी देखते फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को जाना है तो मेरे को जाना नहीं है, भाई दोनों जाने के तो ऐसा नहीं है, इसको जाना है उनकी, पर इंडिविजुअल मैटर है हर बात में। कई लोग कहते हैं स्वामी जी आपका विचार तो सुनने में अच्छा लगता है, मगर ऐसा लगता है कि अनुभव में डिफिकल्ट है, क्या बताए? तो फिर मैंने कहा आप कैसे बताते हैं अनुभव में डिफिकल्ट है? एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 7 इयर्स बिताना वो डिफिकल्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूं और इसमें रहना वो डिफिकल्ट है? बोलिए, नाउ यू डिसाइडेड, एक अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 7 इयर्स बिताना वो डिफिकल्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूं इसमें रहना डिफिकल्ट है? 70 इयर्स बिताना बहुत डिफिकल्ट। तो फिर मैंने ये तो कहता हूँ ये डिफिकल्ट नहीं है, समझाने वाला चाहिए, क्या चाहिए? समझाने वाला, दैट्स इट। तो मैंने कहा ना समझ में आएगा कर विचार तो सिमराचन भाई का, तो उन्होंने भी खुद ने कहा कि मोक्ष मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मोक्ष मार्ग दाता दुर्लभ है, मोक्ष मार्ग को बताने वाला दुर्लभ है, क्योंकि हर धर्म में हर धर्म गुरु अपना अपना शॉप खोल के बैठे, क्या बोलते हैं, दुकान, दादा उसको दुकान बोलते हैं, और सबको कस्टमर चाहिए, क्या चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबका प्रोजेक्ट फिनिश करना है, अभी आप क्या करोगे? दैट्स इट, आप समझे? तो दे आर राइट एट इज व्यू पॉइंट, हमको वो शॉप में जाना कि नहीं वो हमारा सब्जेक्ट है, हम शॉप को गलत नहीं बोल सकते, शॉप इस करे भाई दुकान है, जिसको जो बेचना है बेच, हमको लेना कि नहीं हमारी मर्जी है कि उनकी मर्जी है, दैट्स इट, शॉप को क्यों गलत कहेंगे? आप समझे कि नहीं? हमको समझना है कि व्हाट इज द, हमको एक महात्मा ने कहा था आज से करीब 10 साल पहले, 10-15 साल हो गए ज्यादा के देह मिलने के बाद, लास्ट बाद में फिनिश करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बड़ौदा के अंदर एक महात्मा बहुत सीनियर होते हैं वहां, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी दादा भगवान ने कहा है कि मेरे नाम से बहुत सारी दुकान चलेगी, मेरे नाम के ऊपर बहुत सारी दुकान चलेगी, आप समझे? तो मगर वो लंबी नहीं चलेगी,
तो स्वामी जो आप बताते हैं वो भी तो शौक है। मैंने उनको प्रश्न किया एंड आई लाइक इट, मेरे को ऐसा प्रश्न करेंगे ना तो आई लाइक इट बिकॉज मेरे को बताने का मौका मिलता है। अगर नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, इसमें अपमान की बात नहीं है। तो मैंने कहा आपकी बात सही है कि दादा ने ऐसा कहा है कि मेरे नाम की बहुत दुकान बनेगी मगर लंबी चलेगी नहीं। और आपने पूछा कि आपकी दुकान है कि नहीं, ये आपने प्रश्न पूछा। नाउ वी गो थ्रू द प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या कहता है दुकान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉप, माल दूसरे का और मैं बेचूंगा तो इसको शॉप कहेंगे, यस और नो? दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ शॉप, यस और नो? माल दूसरे का और मैं बेचूंगा तो क्या कहेंगे इसको? शॉप। मैं क्या कहता हूँ, ये मेरा अनुभव है और मैं शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेलिंग, आई एम शेयरिंग, ये मेरा अनुभव है, अध्यात्म विज्ञान ये मेरा अनुभव है, मैं उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और किसी की। अभी आप इसको शेयर कर तो शॉप कैसे कहोगे? अगर उसको शॉप कहेंगे तो रामकृष्ण भाई को भी शॉप कहना पड़ेगा, श्रीमद राजचंद्र को भी शॉप कहना पड़ेगा, दादा भगवान को भी शॉप कहना पड़ेगा। ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ एंड आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माय शेयरिंग। आप समझे? तो ये प्रिंसिपल हो गया, क्या हो गया? तो अभी ऐसा बताऊंगा तो लोगों के दिमाग में आएगा आखिर ऐसी डेफिनेशन तो कोई बताएंगे ही नहीं ना, कैसे बताएंगे? जो शॉप वाले वो तो बताएंगे नहीं। तो मैं तो साफ बोलता हूँ गारंटी भी नहीं देंगे आपको प्रश्न करने का। मैंने इसलिए मेरे सत्संग में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, और आपको वहां ऑन द स्पॉट उत्तर मिलेगा और मेरे को किताबों की जरूरत किताब में क्या लिखा है वो मेरा शब्द है, गलत है सही है वो भी शब्द है। मेरा दर्शन क्या है, मेरा अनुभव क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन एंड सेलिंग। नहीं पसंद आए तो आपको न स्वीकारने का अधिकार है, क्या बताया कंपल्सरी। महावीर, महावीर को हमने रिजेक्ट कर दिया उस समय भी थे, कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया उस समय भी थे, राम को रिजेक्ट कर दिया उस समय भी थे, श्रीमद रायचंद्र को रिजेक्ट कर दिया उस समय भी थे, आप समझे ना? तो इसको रिजेक्ट करने से नुकसान इसको हुआ को हमें को हुआ, किसको हुआ? That's it. तो इसलिए कोई पसंद करेगा ना पसंद करेगा मेरे लिए कि उनके लिए, इसलिए मेरा शब्द है। यू लाइक इट और नॉट दैट्स योर शब्द है, बिकॉज यू आर नॉट फॉलो मी, यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। व्हेन इफ यू आर फॉलोअर ऑफ मी देन आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं देन आई एम, अगर मैं साफ बोलता हूँ यू आर नॉट फॉलोइंग यू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर एंड आई ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, दैट्स इट। सो आई एम नॉट ओनर एंड नॉट क्रिएटर, सो फॉर एनी थिंग आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओनली आई रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर आई एक्सप्लेन इट। ये लॉ ऑफ नेचर मैंने नहीं बनाया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई गलती है तो वो मेरी है, मगर कानून तो किसका है? कुदरत का, मेरा भी नहीं है और वो रामकृष्ण महावीर का भी नहीं। तो क्लियर हो जाता है, क्या हो जाता है? नो कंफ्यूजन इज रिक्वायर्ड। और आज हजारों लोग देश में और विदेश में ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति देखे नहीं जो विदाउट फॉर्मेट बात कर सके, आप समझे, न कोई साधु न कोई संत न कोई सन्यासी बिना फॉर्मेट बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वो ऐसा कह सकते हैं मैं बिना किताब आपको उत्तर देता हूं, बोल सकते हैं? आप समझे क्या नहीं? अभी अभी हम वहां गए थे हैदराबाद, तो हैदराबाद में नवग्रह मंदिर है, हैदराबाद से थोड़ा दूर एक डेढ़ घंटे का रास्ता है, वहां हम गए थे सारनाथवासी का है, तो वहां गए थे तो एक जैन साधु था डेरावासी के, वो शतावधानी थे, क्या थे? स्वावधान, श्रीमद राजचंद्र को भी थे ऐसे, वो भी थे और उनके छोटे छोटे शिष्य थे वो भी शतावधानी थे, उनका पूरा 7-8 व्यक्ति का ग्रुप शतावधानी था। तो उनके साथ मेरी बातचीत हुई,
कहाँ हुई? पहले हमारे बात में उसको पूछने के लिए गए कि आपको इंटरेस्ट है, मेरा परिचय उसको दिया और आपको इंटरेस्ट है तो ही वो बातचीत करे, क्योंकि कंपल्सरी नहीं है। उन्होंने कहा आइए, हम तो फ्री बैठे हैं, तो ठंडी की मौसम थी तो ताप में बैठे थे चेयर लेकर। फिर वहाँ भी हम गए, करीब 12-13 महात्मा थे, दो गाड़ी थी, तो वहाँ बैठे तो बातचीत शुरू किया। उन्होंने मैंने उसको साफ पूछ दिया, अगर हम बातचीत करते हैं तो एक क्लाइंट और बीमार कैसा रखनी पड़ेगी, आपको जो एक्सप्लेन करना है कोई भी सब्जेक्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं सुनता रहूँगा, मैं बोलूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ वाद विवाद स्वीकारना ना स्वीकारना दोनों की फ्रीडम है, मगर वाद विवाद करना किसी के हक में? काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने बात बताई बराबर, मगर ये बात मुझे समझ नहीं आई। इट इज अ मैटर ऑफ यू आस्क द क्वेश्चन अबाउट टू अंडरस्टैंड, ये समझन कर रहे हैं मगर ये गलत है ये सही है, उसके लिए हम तो सिंपल बोल दिया, हम करते ही नहीं है ऐसा, वाद विवाद के लिए नहीं आए। मैं कहूंगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप जो भी कहेंगे बिना बीच में विक्षेप में सुनता रहूंगा, फिर मैं कहूंगा तो आपको सुनने का है, बस इसमें से जो लेना है वो सुन सकते हैं। बात भी क्यों करेंगे, 2 घंटा बैठे थे, कितना बहुत सारा प्रश्न पूछा होगा, तो ऐसा है तो महान पुरुष ऐसे बात करते हैं, झगड़ा झगड़ी नहीं करते दोनों के। हम तो हजारों व्यक्तियों के सामने सत्संग करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, उत्तर देते हैं, कभी बात भी देखो रिकॉर्डिंग में आता है, बातचीत करने का मतलब क्या है, और कभी मैंने कोई प्रश्न को टाला नहीं है, क्योंकि मेरे को कहाँ पढ़ के बताना है या याद करके बताना है या किताब में देख कर बताना है, वो सब्जेक्ट नहीं मेरा, ऑन द स्पॉट उत्तर होता है, और हर अनुभवी ज्ञानी का उत्तर ऐसा होता है वो पढ़ पढ़ के नहीं बताते हैं, वो अनुभव के मास्टर होते हैं, किताबों के मास्टर नहीं होते हैं, आप समझे। तो आज हजारों लाखों लोग ये देखते हैं तभी बोलते हैं कि स्वामी तुमको टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न करते हैं, उल्टा सुल्टा प्रश्न पढ़ते हैं, मगर तुम उत्तर तो ऑन द स्पॉट देते हैं, यही तो विजन है, ये नॉलेज या मेमोरी नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये मेमोरी नहीं है, मेरी यादगिरी नहीं है, ये विजन है, क्या है? अभी प्रार्थना बोला समय हो गया। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, आप हरेक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझमें भी विराजमान है, वैसे मुझमें भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, उनके लिए, उनके लिए हृदय से, हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।